गुड मॉर्निंग सर अगर आपको याद हो तो वी हैव डन विद ओल्ड टैक्सेशन रिजिम एंड वी वेयर ऑन द डिफ़ॉल्ट टैक्स दैट इज ऑल्टरनेटिव टैक्स नाउ कॉल्ड एज डि क्विक रिव्यूजन फटाफट हम लोगों ने क्या किया था सबसे सब पहले चालू करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम्स के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजिम्स के साथ सबसे पहले स्लैबरेट थे अ पर्सन हु इज अ नॉन सीनियर सिटीजन येस वॉज द स्लैबरेट 2 lakh 50,000. Then senior citizen it was 3 lakh. Super senior citizen, it was 5 lakh. Yes or no? HEC was at the rate of 4%. Yes, income and tax was rounded off at the multiple of rupees 10. Yes or no? Right? Third cheese numbers, special rate of tax. Long-term capital gain were at the rate of 20%. 112A beyond 1 lakh was at the rate of 10%. And uh, 115 111a was at the rate of 15% yes or no which changed with effect from 23-7-2024 to long-term capital gain at the rate of 12.5% both the sections and short-term capital gain at the rate of 20% with effect from 23-7-2024 yes or no then mmr was at the rate of 42.744% uh, casual income winnings and vda was at the rate of 30 ट एंड अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट वॉज एट द रेट ऑफ इफेक्टिव सेवेंटी एट परसेंट ये सोनो फिर हम लोग यहाँ से आगे गए थे हम लोगों ने स्पेशल एडजस्टमेंट देखी थी जैट वॉज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंट असेसी इफ ही नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जाम्शन लिमिट एंड हैज कैपिटल गेन इनकम कैपिटल गेन इनकम कैन बी एडजस्टेड टूअर्ड्स बेसिक एग्जम्पन लिमिट एंड बैलेंस इनकम वॉज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट ये सोनो द सचाज रेट अप टू फिफ्टी लैख वॉज रुप वॉज नील फिफ्टी लैख टू वन करोड़ वर्स टेन परसेंट वन करोड़ टू टू करोड़ 15%, 2 crore to 5 crore. On the other income was 25%. On capital gain and dividend income was 15%. Yes. If the income exceed 5 crore rupees, if the income exceed 5 crore rupees, below Then other income up 37%. Capital gain and dividend income were at 15%. And uh, if the income, including the capital gain income, exceed 2 crore rupees, it was 15 and 15%. Everyone. नो राइट देन हम लोग यहाँ से गए थे कहा बेटा न्यू टैक्स स्कीम के ओर जिसे हम डिफॉल्ट टैक्स स्कीम भी कहते हैं हंड्रेड एंड बी ए सी और हम लोग यहाँ थे हंड्रेड एंड बी एस सी नाउ स्टैंडेबल टू इंडिविजुअल बी ए सी वन ए स्पेसिफाई द स्लैब रेट फॉर दिस पर्टिकुलर यू नो पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन नाउ अप टू थ्री लैख देर इज नो टैक्स थ्री लैख टू सेवन लैख इट इज

रिबेट का क्या लॉजिक है यहां पे सर अंडर द ओल्ड स्कीम रिबेट वाज एप्लीकेबल इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड फाइव लैक्स वेर एज अंडर द डिफॉल्ट टैक्स की रिबेट इज अवेलेबल इफ द टोटल इनकम नॉट एक्सीड सेवन लाख रुपीज वॉज हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्सेंड फाइवर इज लोअर हिबेट इज ट्वेंटी थाउजेंड और हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इज लोअर ये सोनो यहाँ पे रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है याद आ रहा है कि आपको हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे थे बुक में भी आपके ऑलरेडी एग्जाम्पल रखे है ये अगर आपकी इनकम स्लाइटली सेवन लाख रुपीज से ऊपर जा रही है तो टैक्स के नॉट एक्सीड द स्लाइट इनकम अर्न ये नो तो फॉर्मूला बना था टैक्स अप टू रुपीज सेवन लाख प्लस टोटल इनकम माइनस सेवन लैख ये नो फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े थे हमने देखा था सरचार्ज मैक्सिमम कितना रहेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट रहेगा और यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल था फिर यहां से हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े थे हमने देखा था इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्सेट अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी यू हैव टू फॉरगो समी डिडक्शंस एंड एग्जम्पन्स हम लोग यहाँ थे और इस लिस्ट को क्या कर रहे थे एनालाइज कर रहे थे क्या आपको भी याद है येस ऑनो सो लेट मी ब्रिंग इट टू योर स्क्रीन्स हमें कुछ डिडक्शंस एंड एग्जाम्शन्स क्या करने होंगे फॉरगो करने होंगे टू बी ये सोनो टू बी ऑन दिस पर्टिक्युलर सेक्शन कौन कौन सी चीज़ है सैलरी में कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होगी पहला लीव ट्रेवल कंसेशन सेकेंड इज एच आर ए थर्ड इज यू नो द स्मॉल एक्जाम्शंस अंडर टेन फोर्टीन लाइक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रेन होस्टल अलाउंस प्री फूड फैसिलिटी एंड अंडर सेक्शन सिक्सटीन वी हैव टू लीव टू एग्जामेशर दो एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल स्टैक वी हैव टू रिमेंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल फर्दर वी हैव टू रिमेंबर द प्रपोज चेंज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड अंडर द न्यू स्कीम हंड्रेड एंड बी ए सी ये नो यस देन हम लोगों ने देखा था एचपी केस के में वी हैव टू फॉर गो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वी कैनोट क्लेम इन केस ऑफ पी जीबीपी देर आर सटन डिडक्शन विच वी कैनॉट क्लेम वट आर दोस्ट अडिशनल डेप्रीसिएशन सेकेंड थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी एट इज टी डेवलपमेंट अकाउंट साइड रिस्टोरेशन फंड देन सेक्शन थर्टी फाइव डोनेशन टू अदर्स इन हाउस इज अलाउड डोनेशन टू अदर्स इज नॉट अलाउड देन डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी थर्टी फाइव सी 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 थर्टी फाइव ए डी इज स्पेसिफाइड बिजनेस जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होता है कुछ बिजनेस से रिलेटेड एंड थर्टी फाइव सी 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 गाइज दैट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट देन वैन इट कम्स टू डिडक्शन देन वैन इट कम्स टू डिडक्शन एक्सेप्ट इट टी एल ए जे जे ए एन ए टी सी सी एच एन ए टी सी सी डी टू ऑल डिडक्शंस आर नॉट अलाउड देन वेन इट कम्स टू एग्जम्शन डेली अलाउंस विद रिस्पेक्ट टू एम पी एम एल एज वो भी अलाउड नहीं है माइनर को वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो एग्जम्शन मिलता है इनकेस ऑफ क्लबिंग वो भी अलाउड नहीं है एंड ए सी जेड का जो टेन डब्ल का एग्जम्शन है वो भी अलाउड नहीं है गॉड दिस पॉइंट यस अच्छा जी तो सर क्या क्या अलाउड है जो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा याद रखिए अडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड बट डेप्रिसिएशन इज अलाउड बिकॉज सेक्शन थर्टी टू मैंडेट्स डेप्रिसिएशन दैट्स वाई डेप्रिसिएशन इज अलाउड अडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड यस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फैमिली पेंशन उड ये अर्लियर वेन दिस सेक्शन वॉज ब्रॉड फैमिली पेंशन वॉज नॉट अलाउड लेटर ऑन इट है इन टू अलाउेबल डिडक्शन ये फैमिली पेंशन का डिडक्शन कितना था वो भी याद दिला देता हूँ याद करो वन थर्ड ऑफ पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड इज लोअर हम लोग पढ़ा करते थे आई एफ ओ एस के अंदर में यस yes, अगर जीते जी किसी को पेंशन मिल जाए हम इसे सैलरी में टैक्स करते थे मरने के बाद अगर किसी को पेंशन मिले हम इसको फैमिली पेंशन में आई एफ ओ एस में टैक्स करते थे तो फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता था वन थर्ड ऑफ पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड इज लोअर खैर अभी इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी के तहत दिस फिफ्टीन थाउजेंड लिमिट हैज़ बिन इंक्रीज टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उजेंड yes no? तो मान लीजिए आपके पास अगर बुक है तो यहाँ लिख लीजिए नहीं तो भी आपके नोट्स में लिखा है डोंट वरी तक के पहुँच गया आपकाशन आपका, आपका कहाँ तक पहुँच गया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक के पहुंच गया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड पे एंड फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है ये पहुंच गया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे। तो ये दोनों जगह इंक्रीज हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से इंक्रीज किया है एंड फैमिली पेंशन में टेन थाउजेंड से इंक्रीज़ किया है इज डन चलिए अब आते हैं आगे जैसे कि हमने बात करी थी 115 बीएसी आपका ओवर हुआ नहीं है तो हम बात करते हैं आगे सर 115 बीएसी में आर हंड्रेड एंड आर नॉट अलाउड एस वी हैव एनलिस्टेड हियर यस और नो हाउ एवर टेल मी इफ देर इज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विच हैज बीन ओइंग टू दिस पर्टिकुलर डिडक्शन लेट मी टेल यू सेक्शन थर्टी फाइव ए की बात करते हैं मान लीजिए प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर 23 24 में हमने 35 फाइव एडी का डिडक्शन लिया बराबर है एंड 24 25 में हम लोग 115 बीएसी को क्या करने जा रहे हैं टेकअप करने जा रहे हैं अब 23 24 में हमने 35 फाइव लिया था जिसके कारण हमारे को पीजीबीपी लॉस आ गया लेट से फाइव लाख रुपीज़ का अब ये पीजीबीपी लॉस रिटर्न भर के हम क्या कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो so, 23-24 का पीजीबीपी लॉस जो सेक्शन थर्टी फाइव के कारण आया था हम लोगों ने इसे 24-25 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया अब 24-25 में वी आर ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी नाउ प्लीज टेल मी कैन आई क्लेम दैट लॉस द आंसर शुड बी नो वाई बिकॉज इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी डिडक्शन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड यू नो थर्टी फाइव एडी इज नॉट अलाउड

नहीं करूंगा जब मैं थर्टी फाइव अलाउ नहीं कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड लॉस मुझे अलाउ करना चाहिए क्या द आंसर इज नो यस और नो मेक सेंस यस ठीक उसी तरीके से मान लीजिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में मैंने कोई एचपी लॉस लिया एसओपी का वो उस साल सेट ऑफ नहीं हुआ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी में ले रहा हूं अब क्या बताइए एसओपी का आईओबीसी अलाउड है 115 BAC में द आंसर इज़ नो तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी अलाउ होना चाहिए या नहीं अलाउ होना चाहिए नहीं अलाउ होना चाहिए तो एक और प्रोविजन पे ऐड करी गई इस प्रोविजन को ध्यान से देखिए कंडीशन और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अगर कोई अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन है अबाउट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द अबाउट ट्रांजेक्शन तो मान लीजिए थर्टी फाइव एडी के कारण कोई लॉस आया था वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे हाँ कोई नॉर्मल डिडक्शन था जिसके कारण लॉस आया था वो लॉस आप जरूर कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे लेकिन इन सेक्शंस के कारण आए हुआ डिडक्शन भी या लॉस भी या अनएब्सॉर्ब एडिशनल डिप्रिसिएशन भी आप क्या नहीं कर पाएंगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे विच एक्चुअली मेक सेंस क्योंकि जब इन सेक्शन का डिडक्शन ही अलाउड नहीं है तो इन सेक्शन से रिलेटेड अनएब्जॉर्ब एप्रिसिएशन या इस सेक्शन से रिलेटेड अनएब्जॉर्ब एडिशनल डेप्रीसिएशन भी अलाउड नहीं होना चाहिए कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड तो ना ये सेट ऑफ हो पाएगा ना ये कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा तो एक बार सवाल भी पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी से कि बताइए मान लीजिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते पर आप सेट ऑफ तो करने दे दीजिए हमको क्योंकि सेट ऑफ तो हमारा बेसिक राइट right है एज अ टैक्स पेयर उन्होंने कहा देखिए हमने 115 BAC या किसी भी ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम को मैंडेटरी नहीं किया है अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है कि मेरा जो लॉस है ये मैं कैसे सेट ऑफ करूंगा ये तो आपने मेरे को सेट ऑफ करने ही नहीं दिया फर्स्ट यू सेट ऑफ योर होल लॉसेस एंड देन कम अंडर 115 BAC, वी डोंट हैव एनी इशू हमने इसे ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स के अंदर में ही रखा है आप पहले अपने पूरे लॉसेज सेट ऑफ कर लीजिए देन यू कम अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन देर इज नो इशू आर यू गेटिंग द पॉइंट यस, yes, सो so, निर्मला सीतारामन जी ने बहुत क्लियर कर दिया अगर आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि भैया मेरा लॉस है मेरा अनएब्जॉर्ब अप्रिसिएशन है आप पहले वो पूरा का पूरा सेट ऑफ कीजिए और फिर यहाँ आइए हम तो आपको पूरा बेनिफिट दे रहे हैं बट वेन यू वेन यू कम अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी यू हैव टू मेक श्योर दैट दी अनएब्बॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेज आउट ऑफ दीज डिडक्शंस और लॉसेज आउट ऑफ दीज डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ नॉर बी अलाउड टू बी कैरियड फॉरवर्ड अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी इज दैट वेरी क्लियर राइट कंडीशन नंबर थ्री गई है अभी नवंबर के uh, में ही लाई गई है अब हमने जब इसे कह दिया कि ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है राइट right? एस को ये रिटर्न भरने से पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आर वी कमिंग अंडर द डिफॉल्ट स्कीम और वी वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम और नो राइट right? तो इसके लिए एक सेपरेट फॉर्म लाया गया है ये ऑफिस में आप लोग जरूर देखेंगे इसके लिए एक सेपरेट फॉर्म लाया गया है फॉर्म इस फॉर्म को सैलरीड एम्प्लॉयड को भरने की जरूरत नहीं है ये फॉर्म सिर्फ व्यक्ति जो पीजीबीपी कर रहा है उसके लिए है सो सैलरीड एम्प्लॉयड डो नॉट नीड टू फाइल दिस फॉर्म दिस फॉर्म विल नीड टू बी फाइल ओनली बाय द पर्सन हैविंग एंड ही इज ऑप्टिंग आउट ऑफ हंड्रेड एंड राइट तो जनरल रूल बना दिया गया कि जनरली ये मान लिया जाएगा यू आर ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑप्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी need सी देन यू नीड टू फाइल फॉर्म टेन आई ई ए टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट येस स्पेसिफाइंग दैट आई डोंट वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी सी वैसे मैं आपको बता दूँ सैलरीड एम्प्लॉड को ये फॉर्म भरना लॉजिकल भी नहीं है पूछो क्यों बिकॉज सैलरीड एम्प्लॉयड को अप्रैल मंथ में ही अपने कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ता है दैट एम आई ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी और नॉट ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी इन ऑर्डर टू लेट द कंपनी डिडक्ट टी डी एस अकॉर्डिंगली तो सैलरीड एम्प्लॉयड तो अप्रैल के अंदर में ही अपनी को कम्युनिकेट कर देता है कि भैया वेदर आई यू वेटिंग एंड वॉन्ट टू स्विच आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम इफ यू वॉन्ट टू स्विच आउट ऑफ द डिफॉल्टीम

115 BAC वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ एक बार वापस से क्विक रिविजन कर लेते हैं हंड्रेड एंड क्या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबके लिए है yes. येस अच्छा जी सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन सबके लिए स्लैब रेट सेम है यस वॉट इज द स्लैबरेट अप टू थ्री लैक थ्री टू सेवन सेवन टू टेन टेन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फिफ्टीन एंड अबव फिफ्टीन थर्टी परसेंट क्लियर है सच एज विल बी एट द रेट ऑफ फोरसेंट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट ये और नो राइट राउंड ऑफ ऑफ इनकम एंड राउंड ऑफ ऑफ टैक्स यहाँ पे भी होगा सैलरी में से कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगे एच में से नहीं मिलेंगे पी से नहीं मिलेंगे आई से कुछ डिडक्शन यू नो नहीं मिलेंगे जैसे यू नो डेली अलाउंस ऑफ एम पी हो गया राइट right? एग्जामिशन से टेन डबल ए वाला एग्जामिशन नहीं मिलेगा राइट right? डिडक्शन से भी मैक्सिमम डिडक्शन गायब कर दिए गए हैं अच्छा इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई लॉस भी आता है तो ये लॉस आप क्या नहीं कर सकते सेट ऑफ भी नहीं कर सकते कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हाँ अदर लॉस जो आपको डिडक्शन अलाउड है उसके कारण कोई लॉस आ रहा है तो उतना लॉस आप क्या कर पाएंगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे सेट ऑफ भी कर पाएंगे अगर आप पी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको टेन आई क्या करना है सबमिट करना है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं सर राइटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा देखिए 115 एंड हम लोगों ने लिखना चालू कर दिया था हम लोगों ने टैक्स रेट्स मेंशन कर दिए थे नोट में रिबेट भी हो गया था मार्जिनल रिलीफ प्लस रिबेट भी हो गया था सेवेंथ नोट आपको लिखनी है सर्टन डिडक्शंस उिडी एडल नॉट अलाउड रेफर नोट्स सटन डिडक्शन इज नॉट अलाउड रेफर नोट्स हम यहां पर सारे के सारे मेंशन नहीं कर सकते इसलिए क्लियर कट लिख दिया रेफर नोट्स If a deduction is not allowed, then loss related to that deduction. Is not allowed to be set off or carry forward. René, sir, perfect. आते हैं अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम दैट इज फॉर कंपनीज नाउ कंपनीज के लिए देर आर टू सेक्शन 115 एंड फिफ्टीन बी ए ए विच इज फॉर जनरल डोमेस्टिक कंपनी एंड देन देर इज अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम फॉर द कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग 115 एंड बी ए बी ऐसे दो स्कीम अब क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं दोनों के बीच में कौन कौन से डिडक्शन नहीं लेना है इसकी लिस्ट क्या है कॉमन है राइट right? इसकी लिस्ट क्या है कॉमन है सो so, सबसे पहले क्या हुआ वापस से हिस्ट्री में चलते हैं 2019 के अंदर में निर्मला सीतारमन जी ने वादा किया था कि हम क्या कर देंगे टैक्स रेट को 30 परसेंट से 25 परसेंट पे लेके आ जाएंगे बट 2015 में ही मेक इन इंडिया आ गया और उसको प्रमोट करने के लिए 2019 में लेस देन 25 परसेंट का टैक्स प्रपोजिशन लाया गया वेर इन कंपनीज को वादा तो ट्वेंटी का किया गया था लेकिन आपको क्या किया गया टैक्स रेट जो दिया गया ये लेस देन ट्वेंटी दिया गया जहाँ पे आपका टैक्स रेट कर दिया गया 22% परसेंट टैक्स रेट कितना कर दिया गया 22% परसेंट कंपनीज को भी कहा गया यू लीव सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पन एंड वी विल ऑफर यू अ लोअर टैक्स रेट Wherein company will enjoy a lower tax rate by leaving certain deductions and exemption. This particular section has benefited a lot of companies because those companies were not taking this particular deduction or foregoing these deductions will uh, you, you know will accrue the benefit to the company in other way. Yes or no? So this particular section is applicable only to domestic company. Please remember. फॉरन कंपनीज के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स नहीं है तो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स नहीं है ठीक उसी तरीके से फॉरन कंपनीज के लिए भी आज इंडिया में कोई ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स नहीं है इसीलिए प्रपोज रिडक्शन भी किया गया है कि भैया हम फोर्टी से कितना लेके आ जाएंगे थर्टी फाइव के लेके आ जाएंगे लेकिन ये प्रपोज है अभी तक के ऐसा कोई रेट चेंज आपके फाइनेंस बिल के अंदर में तो दिया नहीं है ये सो नो राइट सो सबसे पहले आ जाते हैं किसके ऊपर सर एप्लीकेबल ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी द एप्लीकेबल ओनली इफ़ इट डज नॉट क्लेम सर्टन डिडक्शन एंड एग्जम्पन वो कौन से डिडक्शन एंड एग्जम्पन है जो उसको क्लेम नहीं करनी है इसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है इसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर दी हुई है कौन सा एप्लीकेबल टैक्स होगा अब एप्लीकेबल टैक्स रेट को जरा ध्यान से देखते हैं जनरली इफ द कंपनी ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए द टैक्स रेट विल बी ट्वेंटी टू परसेंट बट विद स्मॉल चेंज हियर द सरचार्ज विल बी मैंडेटरी जनरली क्या होता है सरचार्ज कब मैंडेटरी होता है कंपनी केस में इफ द इनकम एक्सीड वन करोड़

so you are all normal income वॉज टैक्सीबल एट अ इफेक्टिव रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट वाट अबाउट स्पेशल इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी लाइ लॉन्ग टर्म कैपटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सेट्रा स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू भी एट स्पेशल रेट अब यहाँ पर भी स्पेशल रेट चेंज हो जाएंगे अगर प्रपोज चेंज क्या किए जाते हैं एप्लीकेबल कर दिए जाते हैं तो हमें बस ये याद रखना है द स्पेशल इनकम विली टैक्सेबल एट स्पेशल रेट अलॉन्ग विद अ मैंडेटरी सरचार्ज ऑफ टेन परसेंट एंड एच ई सी एट द रेट ऑफ फो परसेंट तो इसका इफेक्टिव रेट आ नहीं सकता इसीलिए बस हमने ये कर दिया दैट स्पेशल इनकम विल भी एट स्पेशल रेट टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट अकॉर्डिंगली क्या यहां पे भी अकॉर्डिंगली क्या यहां पे भी वो चेंज आएगा बिल्कुल सर यहां पे भी वो चेंज आ सकता है ट्वेंटी परसेंट ऑब्लिक ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ये भी आ सकता है फिर आता है तीसरा Yes no? अब ये ये अब जो तीसरा केस है इसको जरा समझिए yes, अर्ली स्टेज में इसको समझने के लिए ट्रांसफर एक चैप्टर क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर्स जनरली लगता है इंडियन कंपनीज और फॉरिन कंपनीज के बीच में अगर ट्रांजेक्शन है और इन ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेट किया गया है वेर इन द प्रोफिट फ्रॉम इंडिया इज लोअर एंड द प्रॉफिट गेट शिफ्टेड आउट ऑफ इंडिया मे बी इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर सर्विसेस तो अब मान लीजिए ये होता कैसे है यस yes, मान लीजिए इंडियन इंडियन टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट इन केस ऑफ फॉरन कंपनी वेर एस फॉरन कंपनी का टैक्स रेट सिर्फ पाँच परसेंट है तो so, क्या करते हैं इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंसेस बुक करते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से बुक करते हैं या ट्रांजैक्शन ही हाई रेट पे किया जाता है ताकि इंडिया में क्या हो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए और ये प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट हो जाए आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो जाए और ऐसा दिखे कि नॉन रेसिडेंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेसिडेंट एंटिटी ऐसे yes केस no? में ट्रांसफर क्या कर सकता है टैक्स कर, कर, कर सकता है तो जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होते हैं एओ के पास पावर होता है ऐसे केस में ट्रांसफर प्राइजिंग प्रोविजन लगा करके ट्रू प्रॉफिट इंडिया में क्या करना टैक्स करना ये ओ नो तो ये एक चैप्टर है इंटरनेशनल टैक्सेशन का हम पढ़ेंगे अब मान लीजिए अगर ए ने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगा करके ये पता कर लिया दैट यस टू पीपल आर क्लोजली कनेक्टेड एंड देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया ऐसे केस में वो जो प्रॉफिट है जो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन के कारण आया है इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा सर थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टैक्स जो रहेगा ये लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट सचार्ज मैंडेटरी टेन परसेंट एन एच सी वॉज एट द रेट ऑफ आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस तो चलिए अगर कंपनी 115 BAA ऑप्ट बी ए एप्ट कर लेते देर आर थ्री टैक्स रेट पहला टैक्स रेट नॉर्मल इनकम्स के ऊपर ये लगाएंगे इफेक्टिव रेट ऑफ ट्वेंटी इनकम विल टैक्स टू एट द रेट ऑफ स्पेशल इनकम प्लस एप्लीकेबल सचार्ज एंड एच और अगर मान लीजिए ट्रांसफर प्राइजिंग प्रोविजन ए अप्लाई कर देता है सो इफ ए ड्यूरिंग द असेसमेंट फाइंड द क्लोज कनेक्शन विद अदर पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स आर जनरेटेड दैट इज इन केस ऑफ अ ट्रांसफर प्राइजिंग देन द इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी थर्टी फोर पॉइंट थर्टी दैट इज थर्टी ऑफ टैक्स प्लस टेन ऑफ सरचार्ज प्लस फोर ऑफ एच इज दैट डन अच्छा जी सर सर हमें क्या करना होगा कुछ डिडक्शंस एंड एग्जाम्शंस छोड़ देने होंगे अब अगर आप लिस्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे तो सैलरी और एच को हटा करके 115 एंड फिफ्टीन बी की जो लिस्ट थी सैलरी और एच को हटा करके मोटे मोटे तौर पे पूरी लिस्ट वही है क्योंकि कंपनी को ना सैलरी आता है ना एच आता है बची हुई पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज़ मिलेगी चेक कीजिएगा कंपनी क्या क्लेम नहीं कर सकती सर कंपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकती डोंट यू थिंक सेम एज हंड्रेड एंड फिफ्टीन ये सोनो तो कंपनी एडिशनल डेप्रीसिएशन चेंज नहीं कर सकती हाँ बट कंपनी डेप्रीसिएशन क्या कर सकती है क्लेम कर सकती है आप थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए दैट इज टी डेवलपमेंट अकाउंट साइट रिस्टोरेशन पर वाले डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे स्कीम जो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी में था यहाँ पे भी आप डोनेशन टू अदर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते थर्टी फाइव ए डी का डिडक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस क्लेम नहीं कर सकते थर्टी फाइव सी 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे देखिए एक और ऐड हुआ है थर्टी फाइव सी सी डी ये एडिशनली ऐड add किया गया है क्योंकि ये बेनिफिट मिलता ही सिर्फ कंपनी को है तो ये भी आप क्लेम नहीं करेंगे क्या है थर्टी फाइव सी सी डी स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थर्टी फाइव सी सी डी क्या है स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते आर यू गेटिंग द पॉइंट येस और नो राइट हालांकि फर्दर आप कोई भी डिडक्शन जो चैप्टर सिक्स ए के है वो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे लाइक यू नो अदर डिडक्शन जो है हालांकि कुछ आप क्लेम कर पाएंगे जो कंपनी को अलाउड है जैसे ए टी जे जे ए न्यू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एंड ए टी एल ए ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड ये दो आप क्लेम कर पाएंगे बाकी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे याद करिए दो और थे जो आपको अलाउड था पहला था ए टी सी सी डी पर वो तो मिलता ही इंडिविजुअल को है इसलिए यहाँ से हटा दिया ए टी वो भी मिलता ही इंडिविजुअल को है इसलिए यहाँ से हटा दिया इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही रखे ए टी जे जे ए एंड ए टी एल ये दो ही रखा गया यू नो ए टी एल एंड ए टी जे जे ए बाकी सारे डिडक्शन चैप्टर सिक्स से क्या है अलाउड नहीं है यहाँ से हटा दिया फर्दर टेन डबल ए का भी एक्जामेशन यहाँ से आप क्लेम नहीं कर सकते अब देखो डेली अलाउंस तो मिलता है इंडिविजुअल्स को एम पी को वो भी हटा दिया माइनर इनकम कंपनी को आ नहीं सकती वो भी हटा दिया यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही लिस्ट में बचा कौन सा टेन डबल ए यानी अगर आप लॉजिक लगाओ तो 115 एंड का एक लिस्ट याद रख लो और उसमें से सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलने वाली चीजें बाजू कर दो तो आप ऑटोमेटिकली इस लिस्ट पे पहुंच जाओगे तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने का काम नहीं है फर्दर यहाँ कंडीशन नंबर टू एज इट इज कॉमन है कि अगर इन डिडक्शन से रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए इन द लास्ट ईयर कंपनी हैजेक थर्टी फाइव जिसके कारण आपको कोई बिजनेस लॉस अराइज हुआ है तो वो करंट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड

ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपने इंटर में पढ़ा है लेकिन मैट आपने कभी नहीं पढ़ा मैट यहीं पे आ करके समझ में आता है अब ये मैट क्या है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ डिटेल में आगे पूरा चैप्टर है देखिए एक बात बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ फाइनल के अंदर में आप जितने भी नए वर्ड पढ़ते हैं इस पर एक पूरा चैप्टर है फाइनल के अंदर में बड़ा सिंपल है जितने भी आप नए टॉपिक पढ़ेंगे इस पर एक पूरा चैप्टर दे दिया आपको बराबर है तो आप कोऑपरेटिव पढ़ो पूरा चैप्टर है आपको आप एओपी बीवाई पढ़ो पूरा चैप्टर है फर्म पढ़ो पूरा चैप्टर है यहाँ पे आपको बोला है जो करेंगे दबा के करेंगे कोई तकलीफ नहीं है तगड़े से करेंगे अब मैट क्या होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स किसके लिए लाया था कहने के लिए तो रिलायंस के लिए लाया था सर रिलायंस के लिए क्यों लाया था रिलायंस टैक्स स्ट्रैटेजीज अपना रहा था टैक्स प्लानिंग अपना रहा था देर वाज हेल्दी टैक्स प्लानिंग जिसके तहत क्या होता था कि अपनी सारी इनकम को वो डिडक्शंस एंड एग्जम्पन्स लेकर के क्या कर देते थे जीरो कर देते थे अब क्वेश्चन क्वेश्चनराइज हुआ इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जीरो टैक्स दे रही है तो लोगों के मन में यू नो क्वेश्चन उठने लग गए कि एक आम आदमी के ऊपर तो टैक्स हो रहा है लेकिन अंबानी जी के ऊपर टैक्स नहीं हो रहा अंबानी जी के ऊपर आरोप हाथ से नहीं लगते आ रहे कि इनके प्रधानमंत्री से संबंध है ये नाइनटीन से लगते आ रहे हैं राइट right? मैं आपको थोड़ा सा एक किस्सा बता देता हूँ एटी फोर एटी फाइव में वीपी सिंह सर फाइनेंस मिनिस्टर थे राइट right? इस टाइम पे इन्होंने चैलेंज दिया कि भैया हम क्या करेंगे हम ऐसा प्रोविजन बना रहे हैं दैट ये कंपनी क्या करेगी कोई टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएगी धीरू भाई अंबानी तो धीरू भाई अंबानी ठहरे उसी साल क्या कर दिया टैक्स की चोरी कर दी प्रोविजन को ट्वीक करके बराबर है फिर अगले साल इन्होंने लॉ को और थोड़ा सा यू नो चेंज किया बोला अब इस लॉ को कोई नहीं तोड़ पाएगा धीरू भाई ने फिर तोड़ दिया तीसरे साल फिर यही चैलेंज दिया गया कि अब इस लॉ को कोई नहीं तोड़ सकता धीरू ने फिर तोड़ दिया चौथे तो साल वीपी सिंह सर नहीं रहे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं रहे और फिर मैट का जो प्रोविजन था ठंडे बस्ते में चले गया कुछ दस बारह साल बाद पी चिदम्बरम सर ने मैट को वापस री किया कहा अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता अब आ गए थे मुकेश अंबानी सर जिन्होंने तोड़ दिया उसके बाद ये क्लेम ही करना फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बंद कर दिया कि इस लॉ को कोई तोड़ ही नहीं सकता सबको पता है सब टूट सकता है सब निकल सकता है ये yes सोनो no? आप जैसी लॉ बनाते हैं राइट right? आप लॉ बनाते जाएं हम तोड़ते जाएं बनाते जाएं हम तोड़ते जाएं इस तरीके से लॉ बड़ा हो गया आपके इनकम टैक्स का ये सोनो सो मैट क्या प्रोविजन है मैट के तहत कंपनीज को कहा गया भले ही आप डिडक्शन एंड एक्सम्शन क्लेम करके अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं वेरिन इट इज नॉट लाइबल टू टैक्स बट ऑल्टरनेटिवली आपको क्या करना पड़ेगा एक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी सर्वाइव हो सके ये जो मिनिमम टैक्स आप दे रहे हैं जब भी आपका इनकम टैक्स पेएबल आएगा हम इसके अगेंस्ट में आपको क्या दे देंगे क्रेडिट दे देंगे मैट क्रेडिट कहा गया इसे इसे कहा गया क्या मैट क्रेडिट सो अज्यूम कीजिए रिलायंस है जिसको कोई डिडक्शन एंड एक्जम्शन के तहत टैक्स नहीं आ रहा स्टिल रिलायंस वॉज सेड कि आप एक मिनिमम टैक्स भरिए तो देन मिनिमम टैक्स वॉज एटीन पॉइंट फाइव परसेंट नाउ इट इज फिफ्टीन परसेंट कि आप मिनिमम टैक्स दीजिए ये जो मिनिमम आप टैक्स दे रहे हैं ये हम आपका क्रेडिट बोल करके रखेंगे यूज कर, कर, yes no? कर, कर सकते हैं तो इससे फायदा क्या हुआ फिर डिडक्शन देने का फायदा क्या हुआ आपके मन में सवाल उठेगा सर डिडक्शन उनको अलाउ किया गया सिर्फ उनसे एक टैक्स वसूला गया ताकि क्या हो इकोनॉमी का बजट ना बिगड़े ऐसा yes नो no? क्योंकि देखिए इंडिविजुअल टैक्स के बेसिस पे यू uh, नो you know, देश नहीं चलता वो कुछ लोग आके जो ट्विटर पे कह रहे हैं ना हमारा टैक्स बढ़ा दिया हम टैक्स पेयर है बहुत बड़े आप सर टैक्स कितना पे कर रहे हैं आप टैक्स पे कर रहे हैं बहुत हो गया तो भैया बीस लाख पच्चीस लाख पचास लाख एक कंपनी उससे ज़्यादा टैक्स दे देती है कॉर्पोरेट टैक्सेस हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल टैक्सेस अब कॉर्पोरेट टैक्सेस ही अगर खत्म हो गए तो फिर सारा का सारा बर्डन इंडिविजुअल्स पे आ जाएगा इसीलिए क्या किया गया था मैट लाया गया था कि भले आपको डिडक्शन एग्जम्शन देंगे बट यू कंटिन्यू टू पे सर्टन मिनिमम टैक्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव द इकोनॉमी येस ऑन नो इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं हम इसका आपको क्रेडिट दे देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम इंडिविजुअल विल स्टार्ट पेइंग द टैक्स और ये जो बर्डन है आपको क्रेडिट बोल करके वापस दे दिया जाएगा आई यू गेटिंग द पॉइंट अब ये जो मैट क्रेडिट था अब आप सोचिए मैट के अंदर में टैक्स रेट कितना परसेंट लगाया था फिफ्टीन परसेंट लगाया था राइट लेकिन कहा गया इफ यू ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए तो फिर आपको मैट एप्लीकेबल नहीं है येस yes ऑनो no? राइट एक तरफ आप मैट भी देंगे दूसरी तरफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए भी देंगे तो ये भी तो कंपनी के साथ हार्डशिप हो जाएगा ना इसीलिए कहा गया कि एक काम कीजिए अगर आप हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए ऑप्ट करते हैं तो आपको ऊपर चैप्टर ऑफ मैट एप्लीकेबल नहीं है और मैट का क्रेडिट भी फिर एप्लीकेबल नहीं है यस सो ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट विल नॉट बी सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट विल नॉट बी सेट ऑफ आर यू गेटिंग द पॉइंट तो ये भी आप क्या नहीं कर पाएंगे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे तो ये दो चीज़ें जो आपको क्या करनी है सर याद रखनी है यस yes? चलो एक बार रिकॉल कर लो अच्छा ये लिस्ट कॉमन लिस्ट है किसकी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए एन बी ए बी की तो एक ही बार याद कर लोगे तो दोनों लिस्ट याद हो जाएगी चलो स्टार्ट थर्ड रिविजन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए डोमेस्टिक कंपनीज कोई भी डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में हो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो यूज कर सकते हैं बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल मैन्युफैक्चरिंग यू है तो बी ए बी में जाइए राधर देन बी ए ए में आइए क्लियर है सो तो कोई भी डोमेस्टिक तो बताइए क्या एकत्वम एक लिमिटेड 115 एंड बी ए ऑप्ट कर सकता है विच इज इन एजुकेशन येस इट इज़ नॉट इन टू मैनुफैक्चरिंग हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है सर नॉर्मल इनकम जो आ रही है हमारी इसके ऊपर 25.168 परसेंट कैसे आया ये 25 परसेंट टैक्स सॉरी 22 परसेंट टैक्स प्लस 10 परसेंट मैंडेटरी सरचार्ज

पूरी कॉमन लिस्ट जो 115 बीएसी में थी कौन कौन सा याद रखने लायक है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च अदर नहीं मिलेगा 35 फाइव एडी नहीं मिलेगा 35 फाइव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 35 फाइव स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का रिडक्शन नहीं मिलेगा क्लियर है मालिक तो थर्टी फाइव सी सी डी क्या है स्किल डेवलपमेंट सर नेक्स्ट है चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे टेन डब्ल्यू एस सी आपको नहीं मिलेगा इनसे रिलेटेड कोई पास्ट का लॉसेज है ये भी कह फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा और हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए आप ऑप्ट कर लेते हैं तो मैथ चैप्टर ही अपलीकेबल नहीं है इसलिए मैट क्रेडिट भी मिलने वाला नहीं है क्लियर है मैट क्रेडिट समझ में आया जो आप टैक्स पे करते थे उसको मैट क्रेडिट कहा जाता था अब ये मैट क्रेडिट भी आपको मिलने वाला नहीं है ये सोनो राइट चलिए आते हैं हंड्रेड एंड बी ए बी के ऊपर 115 एंड बी ए बी किसके लिए है सर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि मैंने कहा फॉरेन कंपनीज के लिए कोई ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स नहीं है ये yes सुनो no? तो ये किसके लिए है डोमेस्टिक कंपनी विच इज एंगेज इन टू मैनुफैक्चरिंग आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी ऑप्ट करते जम जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके नोटिफाइड प्रोडक्ट को छोड़ करके अगर आप किसी भी चीज का मैन्युफेक्चरिंग कर रहे हैं आपको हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी का डिडक्शन क्लेम करने मिल जाएगा कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपको 115 एंड बी ए बी का बेनिफिट क्लेम करते मिल जाएगा अब 115 एंड बी ए बी लाने की जरूरत क्यों पड़ी 2015 मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए यस अब हम मेक इन इंडिया को क्यों प्रमोट कर रहे हैं मन में एक सवाल उठना चाहिए राइट फाउंडेशन का चैप्टर प्रोडक्शन याद कीजिए फाउंडेशन में हमें पढ़ाया गया था किसी भी देश की इकोनॉमी को जज किया जाता है बाय इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है येसो yes नो no? वो इकोनॉमी क्या होती है ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है अब सवाल क्या था बॉस इकोनॉमी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कहने को तो हम पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े बन गए और इकनॉमी वाइज भी हम फिफ्थ पोजीशन पे पहुंच गए और हमारा सपना है कि हम कहाँ चले जाएँ थर्ड इकनॉमी पे चले जाएँ लेकिन थर्ड इकोनॉमी पे जाने के लिए आपके देश का प्रोडक्शन उतना हाई होना जरूरी था और देश का प्रोडक्शन हाई करने के लिए कंपनीज़ को प्रोडक्टिव कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ बनाना बहुत ज़रूरी था उन्हें इंसेंटिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी था एंड दिस इंसेंटिवाइजेशन वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ और इन द फॉर्म ऑफ लोअर टैक्स रेट so there are some category of uh, you know manufacturing where subsidy is given by government and there are categories of company by which reduction of tax rate is given by government yes or no so reduced tax rate is an incentive to company to invest more in their business yes or no and that's why generally where the tax rate of company was 25% 30% इफेक्टिव रेट ट्वेंटी अगर कंपनी मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम कमाती है कौन सी एक्टिविटी से इनकम कमा रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम कमा रही है टैक्स रेट विल भी फिफ्टीन परसेंट ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे चार अलग अलग टैक्स रेट है और ये थोड़ा सा जंबल कर सकता है तो कंपनी जो इनकम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कमा रही है उस पर टैक्स रेट 15% परसेंट जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे सरचार्ज मैंडेटरी है 10% परसेंट के हिसाब से एंड 4% परसेंट एच इफेक्टिव टैक्स रेट आता है 17.16% यस दैट इज फिफ्टीन प्लस टेन प्लस फोर इफेक्टिव टैक्स रेट बेटा सेवनटीन पॉइंट सिक्सटीन नोट्स बनाते वक्त ना मैंने ये बहुत ध्यान रखा कि इस तरीके से ग्राफ एंड चार्ट्स आपको बना करके दे दूँ इफेक्टिव रेट भी दे दूँ ताकि बच्चा सीधा इफेक्टिव रेट को याद रख ले ये सो नो पर हम मोड्यूल ओपन करके देखेंगे वो ऐसा नहीं दिया हुआ है राइट ये हमने एफर्ट्स ले लिए थोड़े से क्लास के अंदर में कि इस तरीके का प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड चार्ट्स आपको बना करके दे दे ताकि आपको हेल्प हो जाए और जो डी के चार्ट में बना रहा हूँ डी के चार्ट के अंदर में भी मैंने सेम काम कर रखा है ताकि आपको उतने एफर्ट सब्जेक्ट्स के अंदर में ना के मैं जानता हूँ ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इसे सिंपल एंड शॉर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है राइट सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम कितना आ रहा है बेटा 17.16 परसेंट ऑफ द इफेक्टिव रेट इज इट डन नेक्स्ट आता है आपका सर व्हाट अबाउट अदर इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही मतलब जो इनकम आ रही है कंपनी को बट मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही मन में सवाल उठेगा ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही सोचो कंपनी की कोई इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही एंड नॉट अ स्पेशल इनकम एंड इट इज नॉट अ स्पेशल इनकम इंटरेस्ट इनकम आ सकता है परफेक्ट डिविडेंट इनकम आ सकता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ सकता है रेंटल इनकम जनरेट हो सकता है यस और नो तो ये हो गई आपकी अदर इनकम अदर इनकम को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है एट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट याद रहे क्या यानी सरकार बहुत क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम ही तेरी रिड्यूस टैक्स पे होगी अदरवाइज जो टैक्स रेट 115 एंड बी ए ए के लिए था वही बी ए बी के लिए होगा 25.168 परसेंट आर यू गेटिंग द पॉइंट यस तो यहाँ पे अदर इनकम में क्या आ गया सर अदर इनकम में आ गया रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड्स ये सब आपके काय में आ गए सर अदर इनकम के अंदर में आ गए तो रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड्स ये जितने भी आ गए अदर इनकम के अंदर में आ गए अदर इनकम कंटिन्यू टू बी एट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए इंसेंटिवाइजेशन देना है ना कि अदर इनकम के लिए आर यू गेटिंग द पॉइंट यस आपकी स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी एट स्पेशल रेट द स्पेशल स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी एट रेट विद एंड एच ईसी सेम वही अगर एओ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगा लेता है एंड क्लोज कनेक्शन से प्रॉफिट मिल जाता है दे yes no? right? एक और पॉइंट आपको याद दिलाता हूँ डेप्रीसीएबल असेट थोड़ा सा आपको इन इंटर इन, का याद करना पड़ेगा डेप्रीसीबल असेट पर क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है इंटर का कैपिटल गेन याद करो और सोच समझ के बताओ कि क्या कैपिटल गेन इनकम राइट लेट से डेप्रीसीबल असेट आप सेल करते हैं तो क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है हाँ या ना नहीं मिलता सर बिल्कुल एप्सोल्यूटली सही जवाब है यू you नो know, इंडेक्सेशन uh, जो था ये सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 के अंदर में आता था और डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता था इसीलिए हम उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देते थे, थे। बराबर है हालांकि सेक्शन 50 की अगर मैं बात करूं जब भी डेप्रिसिएबल एसेट सेल होता था क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं था डेप्रिसिएबल एसेट पे आने वाले गेन को हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता था याद आ रहा है क्या कुछ डेप्रिसिएबल एसेट को सेल करके जो गेन आता था इसे हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता था क्योंकि इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था येस और नो अब सवाल उठता है मान लीजिए अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है डेप्रिसिएबल एसेट आप सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा राइट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वॉज नॉट एन एक्चुअल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच अराइज फ्रॉम द सिक्योरिटीज और काइंड ऑफ असेट येस और नो भले ही वो लॉन्ग टर्म नेचर का भी होता था असेट पर उसको सेल करके जो गेन आता था वो हमेशा क्या होता था शॉर्ट टर्म तो सवाल उठा इनकी लेट टैक्सेट क्या होगा सो so, मान लीजिए अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अरइज हुआ राइट ऑन असेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड राइट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 25.168% यस और नो एट टैक्सेबल एट रेट ऑफ 25.168% क्लियर है मालिक तो चलिए बात करते हैं फिर से हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी किस कंपनीज के लिए बेटा जल्दी से बताओ क्या रेट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से आने वाली इनकम सेवनटीन पॉइंट स्पेशल कंटिन्यू टू बी एट स्पेशल रेट अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगा देता है थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम 25.168 परसेंट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज हो गया ऑन द डेप्रिसिएबल एसेट देन 25.168 परसेंट इज दैट डन यस अच्छा अब हमने एक और बात समझनी है कौन कौन से डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर पाएंगे कट कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा 115 एंड बी ए ए वाला प्रोविजन 115 एंड बी ए ए देख लीजिए चेक कर लीजिए एज इट इज़ पूरा का पूरा वही है पी में हम ये डिडक्शन्स क्लेम नहीं कर पाएंगे हालांकि डेप्रिसिएशन हमको क्लेम करने मिल जाएगा यस चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शंस हमको नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ यू नो ए टी जी जे ए एन एल ए टेन डबल ए के एग्जामेशन भी हमको नहीं मिलेंगे इनसे रिलेटेड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे ना ही हम मैट क्रेडिट को क्लेम कर पाएंगे कट कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा वही एक जगह भी लिस्ट को आपने याद कर लिया खत्म हो जाएगा दूसरी जगह लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नो राइट आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर कंपनीज को अगर 115 बीएए का बेनिफिट लेना है तो इनको मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है जैसे कि मैंने कहा था कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग छोड़ करके अगर आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा तो कौन से प्रोडक्ट है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो इस सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी को यूज नहीं कर सकते क्लियर कट दिखाए देखिए द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग डज नॉट इंक्लूड द बिजनेस ऑफ मतलब अगर आप ये छह बिजनेस के अंदर में हैं तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी सर आई cannot ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी कैन आई ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए येस बी ए बी नहीं मिलेगा बी ए ए आप डेफिनेटली क्लेम कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है येस yes सोनो no? क्योंकि बी ए ए तो ऑलमोस्ट हर कंपनीज के लिए है बराबर है कि नहीं है पर आप इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो 115 एंड फिफ्टीन बी मिलने वाला नहीं है कौन से प्रोडक्ट हो गए सर पहला डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कभी भी नहीं था येस सो नो राइट सो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा सेकेंड माइनिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग येस सो नो माइनिंग को एक सेपरेट एक्टिविटी माना गया है इसमें मैन्युफैक्चर देखिए लॉ बड़ा क्लियर है मैन्युफैक्चर मतलब आप कोई तो यूटिलिटी क्रिएट करें माइनिंग में ऑलरेडी अगर आपको याद हो माइनिंग में आप कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं करते दैट यूटिलिटी इज ऑलरेडी गिवन इन द फ्री फॉर्म बाय नेचर ओनली आप सिर्फ उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनिंग को मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाता कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इन टू सिमिलर स्लैब्स अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैजू ब्रिंग सम यूटिलिटी मार्बल भी ऑलरेडी होता है जमीन के अंदर में आप सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करके स्लैब में काट रहे हैं यूटिलिटी पर्पज के लिए येस yes ऑनो no? इसे प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा लॉ बड़ा क्लियर है प्रोडक्शन हैज टू ब्रिंग सर्टन यूटिलिटी जहां पर आप किसी फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कोई यूटिलिटी तो होना चाहिए ये सो नो मार्बल कोई यूटिलिटी नहीं है वो वहां पे ऑलरेडी है डिपॉजिट है आप सिर्फ उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये नो उसके बाद में माइनिंग आप सिर्फ उसे क्या कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप कोई प्रोडक्ट नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं इसी के लिए हम उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं मान रहे ये सो नो नेक्स्ट बॉटलिंग गैस इनटू सिलेंडर अगेन ये भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं माना गया है क्योंकि कोई नई यूटिलिटी क्रिएट नहीं, नहीं होती सिर्फ आपको गैस को क्या किया है एक पर्टिकुलर कंटेनर में फिलअप किया है िंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म अब प्रिंटिंग ऑफ बुक्स जो है राइट इसे मैन्यूफेक्चरिंग नहीं माना गया क्योंकि आप सिर्फ प्रिंटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं अब देखिये यहां पर लॉ थोड़ा साई डों मतलब ये मेरे को क्लिक नहीं करता बाकी सब मेरे को क्लिक करता है यह मेरे को क्लिक नहीं करता कि यार प्रोडक्शन ऑफ बुक्स तो आपने एक्चुअली देना चाहिए अच्छा, खुद यहाँ पे इनकम टैक्स दो जगह बायस है पूछो कैसे अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन पढ़ेंगे वहां पे वो कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल फॉर द दीगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन और यू नो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरीज प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एक्चुअली वहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमने इसको कवर कर रखा है लेकिन यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त प्रिंटिंग ऑफ बुक्स को क्या कर रहे हैं एक्सक्लूड कर रहे हैं ये yes सोनो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स को क्या कर रहे हैं एक्सक्लूड कर रहे हैं अब मे बी शायद लॉ मेकर के में होगा कि फोटो को हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानना चाहिए था कि मैं फोटो कॉपी को ना रखूं पर उन्होंने फोटो कॉपीज को ना रखक्स को ना रख के पूरा प्रिंटिंग ऑफ बुक को ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन के टाइम पे ऐसा नहीं है तो खुद इनकम टैक्स ही दो जगह बायस काम कर रहा है ये सर उन्हें तो आप मेरे को बाद, बाद में पूछेंगे सर यहाँ पे तो आप इसको मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में रख के एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रहे हैं यहाँ पे आप इसको यू you नो know, नहीं कंसिडर कर रहे यस yes, तो खैर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म सिनेमाटोग्राफिक फिल्म भी बनाना कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ यस yes, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ फिल्म प्रोडक्ट यू नो प्रोड्यूसर बट प्रैक्टिकली आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं जो फिल्म्स आप डेवलप करते हैं इसके ऊपर आपके कॉपीराइट्स होते हैं तो इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है ना कि कोई प्रोडक्टर सर्विसेज नहीं आएंगी फॉर द पर्पज ऑफ हंड्रेड एंड बी ए बी कौन कौन सी पहला डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर दूसरा माइनिंग तीसरा मार्बल इंटू ब्लॉक्स चौथा बॉटलिंग ऑफ गैस इंटू सिलेंडर पांचवा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म एंड लास्ट एनी अदर एज गवर्नमेंट चलो वापस एक बार पहला डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दूसरा माइनिंग तीसरा मार्बल इंटू स्लैब्स चौथा गैस सिलेंडर पांचवा बुक्स एंड अब एक एक सवाल मेरे से लास्ट टाइम बैच में एक बच्चे ने पूछा था कि सर वेदर फिल्म आल्सो इंक्लूड ओटीटी और ये सवाल रेलेवेंट सवाल भी है ये सवाल रेलेवेंट सवाल भी है इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना अगले बैचेस के अंदर में इसे इंक्लूड ही कर दूं देखिए फिल्म और ओटीटी के अंदर में राइट क्लासिफिकेशन इनकम टैक्स में अब तक नहीं हुआ हालांकि सेंसर बोर्ड अभी इसे क्लासिफाई करता है राइट ओ टी के लिए सेपरेट रूल्स है और फिल्म प्रोडक्शंस के लिए सेपरेट रूल है राइट right? पर इनकम टैक्स में अब तक ये क्लैरिटी नहीं आई है ओटीटी को अलग मानो और फिल्म को अलग मानो तो जब तक की कोई क्लैरिटी नहीं है हम ओ क्रिएशन को भी फिल्म क्रिएशंस के अंदर ही रखेंगे येस और नो राइट जब तक के कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता बराबर है राइट अच्छा एक और सवाल मुझसे ऑनलाइन स्टूडेंट ने पूछा था वो भी आपको बताता हूँ सर व्हाट अबाउट क्रिएशन ऑफ अ गेमिंग ऐप मतलब क्या सॉफ्टवेयर के अंदर में ऐप्स भी आते हैं मैंने कहा ये देखो इसके ऊपर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डाइल्यूजन होगा डेट सॉफ्टवेयर ही ऐप के थ्रू भी वर्क करता है तो सॉफ्टवेयर और ऐप को हम अलग अलग कैटेगरी में नहीं डाल रहे ना ही इनकम टैक्स उसे कोई अलग कैटेगरी में डालता है तो सॉफ्टवेयर और एप्स को हम अलग अलग नहीं ट्रीट कर रहे ओटीटी फिल्म को हम अलग अलग ट्रीट नहीं कर रहे बिकॉज देर इज नो सेपरेट क्लैरिटी विच हैज बिन गिवन बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज एंड वेन इट विल कम डेफिनेटली विल गो फॉर ये नो राइट चलिए अब कुछ और बातें भी की गई है इस सेक्शन को बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कंडीशन नंबर वन क्या थी सर्टन डिडक्शन एग्जामेशन आप नहीं लेंगे कंडीशन नंबर थ्री क्या थी आप कुछ चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होंगे कंडीशन नंबर फोर क्या है आपको कुछ और सेटिस्फाई करना है पहला दीज कंपनी शुड बी एंड आफ्टर पहलाउजेंड 2019. आई होप एवरी स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहा है उसको समझेगा 2019 का लॉजिक क्या है सेक्शन फ्रॉम द ईयर 2019 जिस साल क्या किया गया था ऑर्डिनेंस पास करके क्या किया गया था लॉ बनाया गया था याद आ रहा है क्या अक्टूबर yes no? तो में ऑर्डिनेंस पास किया था इसीलिए वो कंपनी आफ्टर अक्टूबर 2019 वाली होनी चाहिए yes? का चाहिए कंपनी शुड कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग दो के बाद सेटअप कर देना चाहिए इनने अपना मैन्युफैक्चरिंग कब चालू कर देना चाहिए बिफोर द एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर नाउ लेट मी ब्रिंग टू योर नोटिस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ये जो लॉ था ये लॉ के अंदर में पहले बोला था मैन्युफैक्चरिंग 2021 तक के चालू हो जाना चाहिए फिर चेंज करके 2022 किया था फिर तेईस किया था फिर चौबीस किया, किया था इस साल भी एक्सपेक्टेड था कि ये 2025 कर दे पर इन्होंने ये नहीं किया 2024 तक के ही रखा है

कोई कंपनी जो 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग में थी अब लॉ क्या कहता है पहली लाइन में कि सेटअप कब होना चाहिए 2019 के बाद तो अब देखिए कंपनी क्या टैक्स चोरी कर सकती थी कोई कंपनी है जो 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है ये क्या करती थी आपको पता है ये एक नई कंपनी बनाती थी टू में उसके साथ अमलगमेट कर लेती थी, थी और काम खत्म बेनिफिट ऑफ सेक्शन लोअर रेट लेना शुरू ये टैक्स प्लानिंग पॉसिबिलिटी थी रिगार्डिंग द पॉइंट

अब आप पूछेंगे सर 84, 85 में जा चुका है तो अब क्यों मेंशन कर रहे हैं इसको इसके प्रोविजंस आज भी एप्लीकेबल है प्रोविजंस कहते क्या हैं मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये कई जगह पे रेफरेंस आएगा 33 बी का प्रोविजन कहता था राइट अगर आपका कंपनी फर्म यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन क्या हो चुका है सर डिमोलिश हो चुका है बिकॉज ऑफ फ्लड टाइफून अर्थक्वेक सिविल वॉर एक्शन ऑफ एनिमी मतलब ये जो नेचुरल कैलेमिटी है इसके कारण अब जैसे देखिए पुणे में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है हफ्ते भर से यस और नो रेड अलर्ट चालू है अब पानी के कारण कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो पूरा का पूरा तबाह हो गया राइट सो इफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लड टाइफोन अर्थक्वेक सिविल वॉर एक्शन ऑफ एनिमी किसी भी चीज के कारण अगर डिस्ट्रॉय हो गया और ये बिजनेस को आप तीन साल में फिर से रिवाइव कर देते हैं ये बिजनेस जब से डिस्ट्रॉय हुआ वहां से तीन साल के अंदर में आप इसे क्या कर देते हैं रिवाइव कर लेते हैं तो इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन के लिए इसे न्यू बिजनेस ट्रीट किया जाएगा और जो बेनिफिट न्यू बिजनेस को मिलते हैं वो उस बिजनेस को को मिलेंगे समझ में आया अब लॉ वापस पढ़िए क्या लिखा है इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन यानी इस सेक्शन का बेनिफिट उन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे जिसको अमल गमेशन डी के तहत बेनिफिट लेना चाह रहे हैं हालांकि हम उनको जरूर देंगे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे और तीन साल के अंदर में क्या हुए हैं रिवाइव आर यू गेटिंग द पॉइंट इंटरप्रिटेशन ये है बराबर है तो अब मुझे बात बताइए अगर कोई कंपनी 2012 में आई थी 2020 में एक कंपनी और बनाई अमल गमेट हो गई विल दे बी एलिजिबल फॉर हंड्रेड एंडिफिट नो बट एक कंपनी थी जो दो साल पहले फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गई थी और वापस से रीस रिवाइव हो गई विल दे कंपनी बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट येस तो अमल कमिशन डीमर्जर वालों को हम बेनिफिट नहीं देंगे पर यस रिवाइवल कंपनीज जो फ्लड टाइफून अर्थक्वेक वालों से आई है हम इनको ये बेनिफिट जरूर देंगे क्लियर है मालिक तो so, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप 33 बी लिख रहे लिख सकते हैं थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं इफ कंपनी इज डिस्ट्रॉयड बाय And these are revived in three years. Yes. Yeh. हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी ले सकते हैं अप और रिकंस्ट्रक्शन में क्या आ गए हमारे एमिलगेमेशन डीमर्जर हेलो बराबर है डी मर्जर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी अलाउड नहीं है क्लियर नेक्स्ट कंडीशन क्या है तो कंडीशन नंबर वन ये कंपनी 2019 के बाद सेटअप होनी चाहिए कंडीशन नंबर टू ये 2024 से पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए कंडीशन नंबर थ्री इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ आर रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट गिवन इन सेक्शन थर्टी बी कंडीशन नंबर फोर इट डज नॉट यूज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज भी होनी चाहिए ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी भी यूज होनी चाहिए न्यू बिजनेस के अंदर में न्यू प्लांट एंड मशीनरी सीधे शब्दों में नया गढ़ी नया राज्य बराबर है राइट न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए लेकिन इसको भी एक्सेप्शन दिया है कंटेंट देख रहे हो तुम कितना है समझ आ रही बात कंटेंट देख रहे तुम कितना है अभी तक हम पहले चैप्टर पे हैं और कंटेंट देखो कितना है समझ आ रहा है बात और सोचियो इसीलिए डीटी के पेपर से लोगों की फटती भी है क्यों क्योंकि कितनी पॉसिबिलिटी है यार ट्वीट करने की आपको इससे चेंज उससे चेंज इधर से चेंज उधर से चेंज बट डोंट वरी सब याद रहेगा आपको चिंता मत करने का मैं हूं राइट right? आपको ब्रांड एंड मशीनरी हम इसीलिए दो दो तीन तीन बार रिविजन करेंगे येस और नो इसीलिए अगर आप देखेंगे या आप मेरे साथ इंटर में भी होंगे इंटर में हम लोग बहुत लिखते थे यहाँ पे हम लोग उतना नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर हम उतना ही लिख रहे हैं जितना काम का है क्यों क्योंकि उतना टाइम हम लोग री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी प्रोविजन को दो दो बार रिकॉल करने में क्योंकि आप आर्टिकलशिप में हैं सर आर्टिकलशिप के अंदर में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप घर पर जाके पढ़ लें मेरे को आपको पूरा यकीन है ये yes सो नो no? आर्टिकलशिप के बाद जा करके आप पूरा पढ़ेंगे वापस ये मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं दो दो बार तीन तीन बार हम क्लास में ही रिविजन कर लें ये सो नो ताकि बच्चा बुक भी खोले तो उसको ध्यान में आ जाए येस और जितना काम का है उतना लिख लेंगे जरूरत नहीं हमारे को बहुत पूरा एक एक पॉइंट लिखने की और ना ही अब आपको जरूरत है फाइनल्स के अंदर में इतना एक एक पॉइंट याद रखने की ये चलिए आइए जी तो इसके अंदर में जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए ये भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए हालांकि इसको एक्सेप्शन दिया गया है अब प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी सेल नॉट बी रिगार्डेड एज सेकंड हैंड मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या मानेंगे न्यू प्लांट एंड मशीनरी मान लेंगे इसे सेकेंड हैंड नहीं मानेंगे न्यू ही मान लेंगे पहला इफ इट इज इंपोर्टेड इन इंडिया

अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आपके टोटल प्लांट एंड मशीनरी के ट्वेंटी परसेंट से ऊपर का नहीं है अब देखिए क्या होता है कई बार ऐसा होता है ना राइट कि कोई अच्छा असेट सस्ते में मिल जाता है सेकेंड हैंड में मिल जाता है अब आप कार को ही देख लीजिए ये कार को ही देख लीजिए एक कार है मात्र हर हाँ टेन थाउजेंड किलोमीटर चली हुई ट्रक मात्र फाइव थाउजेंड किलोमीटर चला हुआ लेकिन आपको फाइव लाख रुपये सस्ते में मिल रहा है तो आप क्या करते हो आप बोलते हो मैं ले लेता हूँ

तो no, वो एक करोड़ के एंड मशीनरी को एज गुड एज न्यू मान लेंगे उसे क्या मान लेंगे एज गुड एज न्यू मान लेंगे आर यू वेटिंग द पॉइंट यस तो चलिए वापस से राइट right? कंपनी 2019 के बाद सेटअप होना चाहिए इसने मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले चालू करना चाहिए थर्ड रिवीजन करवा रहा हूं मैं कंपनी 2019 के बाद आनी चाहिए उसने मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले चालू कर देना चाहिए ये स्पिटिंग रिकंस्ट्रक्शन से नहीं आनी चाहिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ थर्टी थ्री बी फोर्थ कंडीशन इसने सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करनी चाहिए हालांकि दो मशीनरी को न्यू माना जाएगा पहला विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी क्लियर है मालिक नेक्स्ट इट डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज होटल और कन्वेंशन सेंटर भैया ये वो बिल्डिंग यूज नहीं होनी चाहिए जो पहले होटल बोल के काम की गई हो या कन्वेंशन सेंटर बोल करके काम की गई हो सर ऐसा क्यों क्योंकि होटल और कन्वेंशन सेंटर्स के लिए सेपरेट डिडक्शंस थे तो ऐसा हो सकता था कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करे पहले वो एटी आई ए वाली सीरीज के बेनिफिट ले ले फॉर ऑपरेटिंग होटल एंड कन्वेंशन सेंटर बाद में उसी होटल बिल्डिंग को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा करके ये भी सेक्शन का बेनिफिट ले ले अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू डबल डिडक्शन यस इसीलिए ये कहा गया कि भैया ये बिल्डिंग पहले एज अ होटल या पहले एज अ कन्वेंशन सेंटर यूज नहीं होनी चाहिए ये आप याद रखिए हाँ सेकेंड हैंड बिल्डिंग चलेगी बात समझना सेकेंड हैंड बिल्डिंग चलेगी कि आपने किसी की इन्वेस्टेड बिल्डिंग ली है वो बिल्डिंग पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर बोल के ऑपरेट नहीं होनी चाहिए गेटिंग द पॉइंट एंड लास्ट इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग एंड रिसर्च इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल थिंग और प्रोड्यूस्ड बाय इट तो भैया ये, ये क्या होनी चाहिए ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में होनी चाहिए मेनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में होनी चाहिए ऐसा नहीं कि ये इन यू लास्ट कंडीशन है ना इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए अदर इनकम भी रहे चलेगा पर मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं और अदर एक्टिविटी है और आप क्या ले रहे हो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी ले रहे हो द रेमस बी मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो यस और नो सो ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अंदर में होना चाहिए अदर बिजनेसिस के अंदर में नहीं होना चाहिए क्लियर है मालिक तो so, एक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग की इस कंपनी में जरूर होनी चाहिए भले ही आप दूसरी एक्टिविटी पर कर रहे हो बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी होनी ही चाहिए पॉइंट चलो लेट एस स्टार्ट अगेन फोर्थ रिविजन ऑफ द होल कॉन्टेंट वापस से आइए सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी किसके लिए है बोलो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन मैनुफैक्चरिंग्स के लिए नहीं है ये सोनो मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज से आने वाला इनकम सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट के ऊपर जाएगा स्पेशल इनकम स्पेशल रेट के ऊपर जाएगी अदर इनकम ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट के ऊपर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अदर अदर असेट प्राइज हो रहा है वो ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट पर जाएगा आप इसको अदर इनकम के कैटेगरी में डाल दो सीधा सीधा एंड अगर आपका ए ओ क्या कर देता है सर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई कर देता है तो वो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट पर आएगा राइट right? कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे लिस्ट इज कॉमन बिटवीन 115 बी ए बी एंड बी ए ए एक्सेप्ट टू थिंग पहला थिंग कौन सा है 35 सॉरी पूरा का पूरा सेम है यहां पे कुछ और बातें आपको कही गई है मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें नहीं आएंगी पहला डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर दूसरा माइनिंग तीसरा माल ब्लॉक चौथा गैस सिलेंडर पांचवा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड सिनेमा एंड लास्ट एनी अदर थिंग नोटिफाइड इसके अलावा कंपनी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कंडीशन नंबर वन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन के बाद सेटअप होना चाहिए यस रिकन्स्ट्रक्शन स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से पहले मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना है इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होगी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगी हालांकि दो प्लांट एंड मशीनरी को न्यू माना जाएगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लान एंड मशीनरी एंड इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड प्लान मशीनरी डज नॉट एक्सीड ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी नेक्स्ट ये जो बिल्डिंग है ये पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर बोल के ऑपरेट नहीं करना है एंड नेक्स्ट इसके अंदर में मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी होनी चाहिए ये अदर एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होना चाहिए क्लियर है मालिक यस yes. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी को क्या कर सकते हैं सर ऑप्ट कर सकते हैं वाह वाजी आइए लिखने वाला पोर्शन भी ले लेते हैं थोड़ा सा give the heading alternative tax schemes for company rather domestic company so alternative tax schemes for domestic company yes मिनट आप जब तक के मैं डिक्टेट कर रहा हूं इसके अंदर में दो पार्ट बनाइए इसके अंदर में दो पार्ट बनाइए पहला नॉर्मल कंपनीज दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसके अंदर में फ्लूचार्ट बनाइए दो पार्ट बनाइए नॉर्मल कंपनीज दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बराबर है नॉर्मल कंपनीज के लिए सेक्शन क्या मेंशन करेंगे 115 एंड बी ए मैन्युफैक्चरिंग के नीचे क्या मेंशन करेंगे 115 एंड बी ए बी करो जल्दी से डन चलिए नीचे फर्स्ट सेक्शन मेंशन कीजिए 115 फिफ्टीन ए बराबर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए बताइए पहले रिवाइज 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 फॉर द फोर्थ टाइम नॉर्मल इनकम टैक्सेबल एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट बोलो सीधा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट अलॉन्ग विदाज एंड सेस मैंडेटरी एंड अगर ए ओ टी पी प्रोविजन पकड़ लेता है क्लोज कनेक्शन आपका साबित हो जाता है तो वो प्रॉफिट्स के ऊपर थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट क्लियर है तो चलो जल्दी से बनाओ तीन पार्ट टैक्स रेट के अंदर के गैस आप चाहें तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं इनकी नॉर्मल इनकम ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट एक्टर टीपी प्रोविजन्स लगा देता है तो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट इनकी नॉर्मल इनकम सेवें नॉर्मल मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है इनकी अदर इनकम लेट से जो रेंट या डिविडेंड से आ रही है और अगर एओटीपी प्रोविजन लगा देता है तो Thirty four point thirty two percent. Certain deduction, oblique exemption, not allowed. Refer notes for Hundred and Fifteen B A B. मेन्युफेक्चरिंग डज नॉट इनक्लूड बताओ क्या क्या इंक्लूड नहीं होते बोलो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेर mining marble into blocks oblique slabs bottling the gas into cylinder था प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पब्लिक प्रोडक्शन ऑफ फिल्म अदर नोटिफाइड आई टी अदर कंडीशंस और हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी बचाओ कौन कौन सी कंडीशन है पहला वन टेन टू थाउजेंड नाइनटीन टाट मैन्युफैक्चर Before thirty first March two thousand twenty four, should not start hmm. after. Up or reconstruction, except in section thirty three B. Use new plant and machinery. Following is considered as new. पहला दूसरा बोलो इसको न्यू मानेंगे इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी इफ वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी Does not exceed twenty percent of the value of total plant and machinery. Building was not used. एज होटल और कन्वेंशन सेंटर जी फंटैस्टिक सारे पॉइंट कवर कर लिए हम लोगों ने लो जी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे है इधर देखो इन द न्यू स्कीम पेज नंबर फाइव वी हैव डन इंडिविजुअल एच यू एफ ए के लिए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी कंपनी के लिए वी हैव डन बी एंड बी ए बी यस अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी दो सेक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी वन विच इज अ नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी सेकंड कोऑपरेटिव सोसायटीज इन मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए भी क्या है दो तो जैसे डोमेस्टिक कंपनी के लिए दो सेगमेंटेशन किए गए हैं ठीक वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी दो सेगमेंटेशन किए गए हैं और नो ठीक वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी दो सेगमेंटेशन किए हैं वन विच इज अ नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन एनी बिजनेस सेकेंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इसमें भी दो ही कैटेगरी की है ये दोज हुएंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन्हें हम कहते हैं बे राइट तो इज आर बे एंड जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है शी इज बैड राइट जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है शी इज़ बैड और अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो शी इज अ बे बड़ा सिंपल है आइए अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे भी आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट जैसा ही सिस्टम रहेगा जैसा हम लोगों का डोमेस्टिक कंपनी में था बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया गया है सबसे पहले आते हैं 115 बैड पढ़ते हैं बैड मतलब वो जो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है अगर आप नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट है 25.168 फाइव पॉइंट एट परसेंट डोंट यू थिंक कहीं कुछ याद आ रहा है आपको यस yes? किसके लिए था डोमेस्टिक कंपनी के लिए यही था स्पेशल इनकम तो वैसे भी आपको पता है उनके ट्रीटमेंट्स क्या होने वाले हैं yes? यस तो इनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट क्या दिया है ट्वेंटी बिल्कुल सिमिलर है बी ए ए से रिलेटेड याद आ रहा है क्या बिल्कुल सिमिलर है आ जाओ बी ए क्या कहता है मैन्युफैक्चरिंग वाला बी ए ई क्या कहता है ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला इनकम ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट आपको नहीं लगता पूरा कट कॉपी पेस्ट है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए एंड बी ए बी का ये सोनो राइट इसीलिए हमने वहाँ आपकी तगड़ी मेहनत करा दी हमको पता था यहाँ आके सिर्फ आपको सिर्फ रिवाइज करवाने की जरूरत पड़ेगी यस yes, कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्शन छोड़ देने पड़ेंगे कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्शन छोड़ देने पड़ेंगे कट कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा बी ए ए जैसा चेक कर लीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा थर्टी थ्री ए बी ए बी ए साइट रिस्टोरेशन फंड टी डेवलपमेंट अकाउंट नहीं मिलेगा डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू अदर्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा थर्टी फाइव ए डी स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा थर्टी फाइव सी 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 नहीं मिलेगा याद करें सीसीडी सिर्फ कंपनी के लिए है इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बराबर है टेन डबल ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा चैप्टर सिक्स ए का डिडक्शन नहीं मिलेगा हालांकि चैप्टर सिक्स ए में एटी जे जे ए का बेनिफिट मिलेगा अब देखिए आपसे एट्टी एल ए गायब है क्योंकि वो भी सिर्फ कंपनीज के लिए है एट्टी जे जे ए मिल जाएगा बाकी कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है क्लियर है एंड यू विल बी अलाउड फॉर डेप्रीसी एडिशनल डेप्रीसी अलाउड नहीं है फर्दर इनसे रिलेटेड अगर कोई लॉस आता है तो वो आप बोराट फॉरवर्ड कर पाएंगे नहीं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में मैट तो नहीं पर सोसाइटी है तो आप एम क्रेडिट भी क्लेम कर पाएंगे नहीं क्लियर है मैट अदर देन कंपनीज के लिए होता है uh, एएमटी तो ए क्रेडिट कुछ होगा तो वो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे यस और नो एंड एक बार आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आप इसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे एक और कंडीशन है यानी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कीम्स के अंदर में आ जाती है तो इट के नॉट विदड्रॉ फ्रॉम दैट स्कीम इज डन यस 115 बीएई बी रेट देख लीजिए आपको याद ही होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम बोलो बोलो जल्दी बोलो सेवनटीन पॉइंट सिक्सटीन अदर इनकम ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट परसेंट स्पेशल इनकम कंटिन्यू टू एट स्पेशल रेट एंड एओ अगर टीपी वाला प्रोविजन पकड़ लेता है तो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट एवरी थिंग सेम येस ऑन नो राइट कुछ चीजें वापस से वही कही गई है इसकी कंडीशन को देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है कंपनी शुड बी सेटअप आफ्टर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चर बिफोर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए जो सेक्शन है ना मैन्युफैक्चरिंग वाला ये लाया ही टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में गया है इसीलिए इसके लिए जो सेटअप डेट रखी गई है वो आफ्टर 2023 रखी गई है पर मैन्युफैक्चरिंग मस्ट स्टार्ट बिफोर 2024 अगेन इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट गिवन इन 33 बी आर यू अवेर अबाउट दिस प्रोविजंस डू नॉट यूज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हालांकि दो प्लांट एंड मशीनरी को रिगार्ड नहीं किया जाएगा सेकंड पहला इम्पोर्टेड दूसरा इफ द वैल्यू ऑफ सेकंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ट्वेंटी ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बराबर है ये किसी और बिजनेस में एंगेज नहीं होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीज़ें नहीं आएगी बिना देखे बोलो पांच चीजें मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगी पहला डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर दूसरा माइनिंग तीसरा मार्बल इंटू स्लैब्स चौथा गैस इंटू सिलेंडर चौथा पाँचवा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड फिल्म कॉपी पेस्ट खत्म आता कस वाटते है? इसीलिए वहाँ तीन तीन चार चार बार रिविजन करा दिया यहाँ करने का काम इतना ही है।, है ना पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो दोबारा फालतू तो की चीज़ नहीं पढ़ने का तो अगर आप ध्यान देंगे लॉजिकली एक ये जो लिस्ट है ना क्या है क्या नहीं अलौड़ तो ऐसे दिखने को ये दिखेगा कि ये साल बहुत बड़ा है पर अगर आप स्मार्ट स्टडी करें ये बहुत बड़ा नहीं है, है ना एक लॉजिकली दो ही जगह पढ़ना है में में एक एक लिस्ट लिस्ट पढ़ना है, 115 में एक बार लिस्ट पढ़ना है है बार खत्म ये दो बार भी अगर आपने लिस्ट पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है यस सो ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग देयर फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर यस yes, क्योंकि एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो आप विदड्रॉ नहीं कर सकते तो फर्स्ट रिटर्न भरते वक्त ही आपको क्या करना पड़ेगा ये स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा और एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो ये सब सब्सिक्वेंट ईयर को क्या कर देगा अप्लाई कर देगा क्लियर है सर आ जाइए स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट प्लस टेन परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट एच अगर एओ ईपी पकड़ लेता है तो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इनकम सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट अदर इनकम ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट एओ अगर टीपी के प्रोविजंस लगा देता है थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट अदर इनकम में क्या गया रेंट डिविडेंट इंटरेस्ट एक्सेट्रा ठीक है इन्वेस्टमेंट इनकम सर्टन डिडक्शन एंड एग्जाम्शन नॉट अलउ रिफर नोट मैन्युफैक्चरिंग टू नॉट इंक्लूडा लग सकते हैं एम एज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी एवरी वन other conditions 415 115 bae incorporate after 1 for 2023 and start manufacturing after sorry before ऑल अदर कंडीशन सेम एज दैट ऑफ बोलो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी खतम समझ जाएगा ना इतने में मतलब इफ यू वॉन्ट मैं पूरा लिखा देता हूं बट देर इज नो लॉजिक डन सर लो जी सिंप्लीफाइड रजिस्टर में कितने पेजेस भरे आपके अब तक बीस तक चले गए बापरे इतना कब लिख लिया तुमने लो इससे तो अच्छा नोट्स है सोला पेज में सब खत्म कर दिया इतना सब लिख के भी बट देर इज ए डिफरेंस क्या डिफरेंस है बताइए यहाँ तो सोलह पेज में खत्म हो गया तुमने रजिस्टर में बीस लिख दिए क्या डिफरेंस है आप बताइए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बना के यूज़ किया है जिससे जो स्पेस है वो कम लगता है बस इतना ही बराबर है अदरवाइज ये भी लगभग अभी तक के तो थर्टी प्लस पे पहुंच जाना चाहिए था वो जो बुक होता है ये स्पेशल सॉफ्टवेयर बना करके यूज़ किया जाता है वेरी नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं ये सोनो जब आप रजिस्टर में लिखते हैं तो बहुत सारा स्पेस चले जाता है हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस को यूज कर लेते हैं यस चलिए आइए टैक्स रेट्स फॉर ए ओ खैर ये हो चुका है ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए आपके नोट्स में रखा हुआ है ए अगर ओल्ड स्कीम में जाएं तो वो स्लैब रेट्स पे जाएंगे एक बार चेक कर लीजिए टू तक के फाइव यू नो टू तक के नील देन फाइव देन ट्वेंटी एंड देन थर्टी पर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी वन ए का भी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है वेरी न्यू न्यू स्लैब स्लैब रेट्स रेट्स आर गिवन एंड आप जानते हैं पे हैं। पे चेंज हो थ्री लाख तक के 3 लाख टू टेन लाख इट विल बी टेन परसेंट टेन लाख टू बी थर्टी परसेंट हमें समझने लायक बात क्या है सरचार्ज जनरली अगर एओपी के अंदर में ओनली कंपनी एज मेंबर है याद आ रहा है क्या ओनली कंपनी एज मेंबर है तो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज क्या रहेगा 50 लाख टू 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10 परसेंट एंड अब वन करोड़ की इनकम है तो सॉरी अबाव 10 करोड़ की इनकम है तो वेट अ मोमेंट यहां एक लिटिल करेक्शन की जरूरत है हमको दिस शुड बी अब वन करोड़ फिफ्टी लैख तक के कोई सर्चा नहीं फिफ्टी लैख टू वन करोड़ पे टेन परसेंट एंड अब टेन अब वन करोड़ इट विल बी फिफ्टीन परसेंट क्लियर है मालिक other aop buy जो इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल है वो इंडिविजुअल्स को क्या एप्लीकेबल है 50 लाख ,00 के ऊपर 1 करोड़ ,00 के ऊपर 2 करोड़ ,00 के ऊपर एंड बताओ जल्दी से 5 करोड़ ,00 के ऊपर तो अगर aop कंसिस्ट करती है सिर्फ कंपनीज एज मेंबर को तो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 15% उस केस में वो 25% एंड 37% पे जाने वाला नहीं है क्लियर है मालिक इज दैट डन That's it. अगर आप देखेंगे वी हैव कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ये सोनो राइट चलिए मैंने कुछ होमवर्क दिए थे और होमवर्क से पहले कुछ केस लॉज है ये केस लॉज देखते हैं और फिर होमवर्क देखते हैं एंड पर्टिकुलरली दिस टॉपिक विल कम टू एन एंड यस और नो, राइट? चलो सबसे पहले जो केस आता है आपका मैं थर्ड से स्टार्ट करूंगा पहला केस है आपका टी ए कुरेशी इट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अब सर देखिए आपको केस लॉ क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है और केस लॉ का क्या रेलेवेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले देखिए हर बार इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट से पहले जुडिशियल अपडेट लेकर के आता है अभी ही नवंबर 24 फोर अटैम्प्ट के लिए मैंने जुडिशियल अपडेट जो है ये यू नो यूट्यूब पे डाले कल ही डाले मैंने राइट जुडिशियल अपडेट का जो लेक्चर होता है वो लगभग एक घंटे का होता है कल भी आप देखेंगे तो 57 मिनट्स का ही है ये जुडिशियल अपडेट देखिए वैसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं का आई टी ए से आते हैं हाई कोर्ट से आते हैं सुप्रीम कोर्ट से आते हैं लेकिन इनमें से हमारे को जितने पढ़ने होते हैं इंस्टीट्यूट वो क्लियरली निकाल के दे देता है बराबर है तो ये जो केस लॉज है ये पास्ट में आए हुए जुडिशियल अपडेट्स है जो मैंने नोट्स के अंदर में रखे हुए है। हैं बराबर है तो जितने नोट्स बनाते तक जुडिशियल अपडेट्स थे वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं पर मे 25 एंड नवंबर 25 के लिए सेपरेट जुडिशियल अपडेट्स होंगे मे 25 का जो जुडिशियल अपडेट है ये मार्च में आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा सी ए वे जैसा आप सब्सक्राइब करके रखना और नवंबर का जो रहेगा ये सेप्टेम्बर के अंदर में आ जाएगा राइट साथ साथ में फाइनल वालों आपको याद होगा हम हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं मैं इसके अंदर भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा क्लियर है मैं इसके साथ भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डन अच्छा जी पहला जजमेंट है टी ए कुरेशी जजमेंट सवाल क्या था और जवाब क्या है देखिए जो जुडिशियल अपडेट होता है ना ये बहुत बड़ा होता है यस दो तो मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे अब जैसे देखो इंस्टीट्यूट जो जुडिशल अपडेट देगा ये क्या होगा मैं पहली बार है इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अदरवाइज एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा ये इंस्टीट्यूट का दिया हुआ जुडिशियल अपडेट है फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन ठीक है राइट इसे अकॉर्डिंगली चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है डोंट वरी अब ये लोग क्या करते हैं ज़रा देखना पहले केस का नाम देते हैं फिर इशू देते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ था क्या था और फाइनली कंक्लूजन क्या आया अब मुझे एक बात बताओ पढ़ते वक्त हमें इतना सब की ज़रूरत है क्या पढ़ते वक्त हमें क्या ज़रूरत है कॉन्टेंट क्या था और इसका कॉन्क्लूजन क्या आया खत्म हो गई बात इसकी पूरी हिस्ट्री अब जैसे देखो ये के शुगर्स का केस ये लगभग लगभग तीन पेज तक के पूरा एक्सप्लेन कर रहे पहले आई टी टी में क्या हुआ था फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ था फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था ये मैं आपको सब पढ़ा दूंगा जब जुडिशियल अपडेट होंगे जो जुडिशियल अपडेट ऑलरेडी हो चुके हैं डन हो चुके हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट इसके अंदर में हम लोगों ने सिर्फ सिंपली काम किया है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम एंड एनर्जी केस क्या था और कंक्लूजन क्या था बताएंगे हम पूरा ध्यान से सुनना अब हुआ ये टी ए कुरेशी जजमेंट्स के अंदर में एक सवाल उठा वेदर इन इनकम आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इनकम एंड लाइबल टू टैक्स बताइए इलीगल एक्टिविटी से आने वाला इनकम भी क्या इनकम टैक्स के लिए लाइबल है हाँ या ना तो आंसर इसी ये तो हमारे को खैर इंटर में भी पढ़ा दिया गया था इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल इनकम टैक्स को सिर्फ और सिर्फ मतलब है इनकम से एंड दैट इनकम मस्ट बी रेवेन्यू रिसीट दैट इनकम मज बी रेवेन्यू रिसीव भले ही इन एक्टिविटी से आई हो तो टी ए कुरेशी जजमेंट में कुछ ऐसा हुआ था बंदा क्या करता था कस्टम से गुड्स स्मगल करके लाता था मतलब प्रैक्टिकली वो स्मगलिंग करता था और कस्टम ड्यूटी पे नहीं करता था एक दिन कस्टम ऑफिसर्स ने इनके गुड्स पकड़ लिए और कॉन्फिसिकेट कर लिए गुड्स इन कस्टम डिपार्टमेंट ने कॉन्फिसिकेट किए वो क्या किया गया इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉन्फिसिकेटेड गुड्स को लॉस क्लेम कर लिया ये सोनो एओ ने असमेंट करा असमेंट करके देखा कि भैया बहुत बड़ा लॉस है ये किस चीज का लॉस है जब पता किया तो उनने पता किया कि ये गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिए हैं जिसको एस एस ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा नहीं भैया ये गुड्स आपने स्मगल किए हैं आपने लॉ को ब्रीच किया है और इसलिए हम आपको इस लॉस का बेनिफिट नहीं देंगे इसे हम एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे हम इसे एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे मतलब प्रैक्टिकली आप पीजीबीपी में इसको क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे असएस ये कहता है वाह भैया आज तुम्हें बड़ा लीगल इलीगल सूझ रहा है मैं हमेशा से जो टैक्स पे करते आ रहा हूँ वो इसी इलीगल इनकम पे पे करते आ रहा हूँ तो जो मेरी इनकम थी वो भी इलीगल थी आप मेरे को इतना जो इतने सालों का टैक्स पे किया है वो रिफंड कर दो इनकम टैक्स कहता है नहीं नहीं हम इनकम तो टैक्स करेंगे लेकिन उसके एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे एस कहता है आपने तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं दैट एक्सपेंसेस जो होना चाहिए जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए लीगल होनी चाहिए ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है फिर क्या को आप ऐसा कर रहे हैं मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि देखिए यू नो इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इन इनकम तो टैक्स होनी चाहिए लेकिन साथ साथ में एस को एक्सपेंसेज भी दिए अलाउ किए ये रूलिंग बना एक्सपेंसेज भी अलाउ किए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था इन जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा है तब तब क्या हुआ है अमेंडमेंट अगले साल अमेंडमेंट आ गया इलीगल इनकम इज आल्सो चार्जेबल टू टैक्स पर सेक्शन 37 ऑफ द पीजीबीपी में अमेंड किया गया एक्सपेंसेस मट नॉट बी इन द नेचर ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ मतलब हम इलीगल इनकम को तो टैक्स करेंगे लेकिन इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को अलाउ करने वाले नहीं हैं

हो बात। आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर महाले आनंद फिल्टर सिस्टम वर्सेज एसी आई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इधर देखिए हम बात कर रहे हैं इस केस की जैसे कि आप देख सकते हैं नोट्स कहां तक के अपडेटेड है समझ जा रहे हैं बात ये जो नवंबर ट्वेंटी फोर के लिए आपको जुडिशियल अपडेट्स डाले हैं वो भी आपकी बुक्स में डाल के रखे हैं मैंने। आइए पे चलते हैं मोहल्ले आनंद फिल्टर सिस्टम्स ए सी आई टी अब यहाँ पे केस क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो इज्जत पूरी मिलनी चाहिए केस क्या था स था मान लीजिए अगर मैं किसी से प्रॉपर्टी का लेता हूँ रेंट पे लेता हूं मतलब मैं उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देता हूँ और छोड़ने के वक्त ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये मेरे को वापस मिल जाता है बराबर है पूरा क्वेश्चन है सिक्योरिटी डिपॉजिट के अराउंड घूमता है अभी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने दे रखा है ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने दे रखा है निकलने के टाइम पे ओनर से मेरी कुछ यू नो रेंट को लेकर के बाता हो जाती है डिस्प्यूट हो जाता है और मैं कहता हूं वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था सिक्योरिटी डिपॉजिट आप रख लो मेरे को ये भी नहीं चाहिए डिस्प्यूट यहीं खत्म करो ये आप मेरे तरफ से फुल एंड फाइनल पेमेंट रख लो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अब मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए और आप ये खर्चा पूरा का ये पूरा का पूरा डिपॉजिट आप रख लो आप मेरे पे कोई डिस्प्यूट मत डालो मैं आप पे कोई डिस्प्यूट नहीं डालूंगा ये अमाउंट थी फाइव पॉइंट एट करोड़ की ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी था ये कितना था फाइव पॉइंट एट करोड़ रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट था अब जरा बात समझिए क्या हुआ इसके बाद ये हुआ कि मैंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या कर दिया फॉरगो कर दिया और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने फॉरगो कर दिया वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसिस क्लेम कर लिया एओ का कहना था कि भैया देखिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी डिपॉजिट का बाय नेचर क्या था कैपिटल था वो वो रेवेन्यू थोड़ी था भैया रिसीवर के लिए भी वो रेवेन्यू नहीं था इट वॉज अ रिसीट बट नॉट अ रेवेन्यू रिसीट क्योंकि वो उसको वापस देना था मैं जो ओनर को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा हूं आज मैंने अगर लेट से 5.8 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया इसके लिए वो रिसीट थी पर वो रिसीट एक्सेबल नहीं थी क्यों क्योंकि वो डिपॉजिट के फॉर्म में था जो आपको वापस देना है तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा हूं और मैं इसे फॉरगो कर दे रहा हूं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बन जाएगा जस्ट बिकॉज मैंने इसे फॉरगो कर दिया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा जिसका डिडक्शन एस को मिलना नहीं चाहिए तो सवाल उठा अगर मैं कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरगो कर देता हूं क्या मैं इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल बोलकर ट्रीट कर सकता हूं द आंसर इज नो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा बिकॉज वो बाय नेचर ही क्या था कैपिटल एक्सपेंडिचर आर यू गेटिंग द पॉइंट वो नेचर ही कौन सी रिसीट थी कैपिटल रिसीट क्लियर है मालिक सो कैन द फॉरगोइंग ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू सेटल डिस्प्यूट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट सर्टन लीज प्रोमाइस डिस्प्यूट अरोज एंड टू एंड एट द एस सी एग्री नॉट टू क्लेम द सिक्योरिटी डिपोजिट एपेक्स कोर्ट अफॉर्म दैट द अमाउंट ऑफ फाइव पॉइंट एट करोड़ इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट वॉज पेड टू एंड द डिस्प्यूट इट इज एविडेंट दैट द अमाउंट वॉज अ कैपिटल इन नेचर एंड रिमेन सो ऑल दो द एस डिसाइड टू फॉर गो तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा क्लियर है मालिक

मान लीजिए मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर करी थी और मैंने उसे कहा था प्लांट एंड मशीनरी यू हैव टू डिलीवर बाय लेट फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट बराबर आपको डिलीवर करना है और हमारे बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ मैंने बोला था देख मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी दे रहा हूं जब तू मेरे को एक ऑगस्ट को पक्के में डिलीवर कर देगा बोले तो हाँ सर डिलीवर कर दूंगा नहीं नहीं तू लिख के दे अगर तूने डिलीवर नहीं किया तो मैं तेरे से लिक्विडेटेड डैमेजेस लूंगा सामने वाले ने भी लिख के दे दिया कि अगर मैं एक अगस्त तक के आपको ये मशीन नहीं दे पाया तो मैं आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस दूंगा हुआ भी कुछ ऐसा ही राइट एक अगस्त आई और एक अगस्त तक के मशीन डिलीवर नहीं हुई एसएससी ने क्लेम किया लिक्विडेटेड डैमेजेस जो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिल भी गए शांति से अब सवाल उठा ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस आपको मिले हैं अगेंस्ट द नॉन डिलीवरी और फेल्ड डिलीवरी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इसे क्या आप इनकम मान सकते हैं या इनकम नहीं मानेंगे ये कैपिटल रिसीट माना जाएगा या ये रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा ये समझ में आया सभी को केस क्या है वापस बताइए मैंने कहा था एक तारीख तक आप प्लांट एंड मशीनरी डिलीवर कर दीजिएगा अगर आपने एक तारीख तक प्लांट एंड मशीनरी डिलीवर नहीं करी तो हम इसे क्या मानेंगे हम आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मांगेंगे और आपको देने पड़ेंगे एक तारीख तक आपने नहीं दिए और आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस हमें देने पड़े अब सवाल उठा मेरे लिए ये कौन सी रिसीट है इज इट अ कैपिटल रिसीट और इज इट अ रेवेन्यू रिसीट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए केस लॉ को बाद में बोलते हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस कैपिटल रिसीट मानी जानी चाहिए या रेवेन्यू रिसीट मानी जानी चाहिए देखिए रेवेन्यू रिसीट मतलब वो विद एन इंटेंशन टू वन प्रॉफिट कमाया गया हो या विद एन इंटेंशन टू वन सर्टन इनकम है लिक्विडेटेड डैमेजेस को ऑब्जेक्टिव कोई इनकम अर्न करना है या पीनालाइज करना है फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीनलाइज करना है ऑब्वियसली यस और नो लिक्विड कोई आदमी लिक्विडेटेड डैमेजेस अर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता लिक्विडेटेड डैमेजेस को एज अ पेनल्टी कवर किया जाता है बिकॉज द अदर पार्टी फेल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट यस और नो सेस सुप्रीम कोर्ट दैट इज एपेक्स कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया कि ये जो लिक्विडेटेड आप रिसीव कर रहे हैं ये कोई इनकम अर्न करने के मोटिव से नहीं कर रहे हैं या कोई रेवेन्यू अर्न करने के मोटिव से नहीं कर रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था ऑब्जेक्टिव क्या था टू अर्न टू टेक द प्लांट एंड मशीनरी विद विद इन दैट डेट एंड इफ कैनोट बी डिलीवर द अदर पार्टी विल पेज द लॉस इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और इसीलिए ये कैपिटल रिसीट माना जाएगा जिसपे कोई टैक्स नहीं आना चाहिए ना कि रेवेन्यू रिसीट आर यू गेटिंग द पॉइंट तो जो रिसीवर है ये रिसीवर के लिए कैपिटल रिसीट बनेगा और ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे उस इंटेंशन से कमाया ही नहीं गया टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये और नो एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेनल्टी क्योंकि सामने वाला मेरा ऑनर नहीं कर पाया और इसलिए मुझे बिजनेस लॉस हुआ समझ तो आ रहा है इसीलिए कैपिटल रिसीट रहेगा विजय के लिए ना कि रेवेन्यू रिसीट So the damages are directly or intimately linked with the procurement of capital set. Therefore, the amount received by SSC towards the compensation for sterilization of profit earning source is not in the ordinary course of business, hence, it is a capital receipt in the hands of SSE. Capital receipt. Clear Malik. So these were the three case laws. मुझे लगता है इसमें केस लॉ नंबर टू आपके लिए क्या बन सकता है रेलेवेंट इसलिए मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या मार्क करके रख रहा हूँ बेटा इम्पॉर्टेंट ये और नो अच्छा चलिए कुछ यू नो you know, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर मैंने अभी तक कि आपका के आपके फाइनल के क्लासेस को ऑर्डर कर दिया है लेकिन मुझे अब तक सीरियल की नहीं आई डोंट वरी सीरियल की हम जनरेट कर रहे हैं हालांकि बुक्स हमने भेजने चालू कर दिए हैं कल ही मैंने रील भी डाला था बुक्स हमने डिस्पैच करने शुरू कर दिए हैं जो फेस टू फेस वाले हैं मोस्ट प्रोबली आपको कल या परसों तक के भी बुक मिल जाएंगे ठीक है और तब तक के जैसे कि मैंने कहा जब तक कि आपकी बुक्स नहीं मिलती आपको एक और चैप्टर मैं पी डाल दूंगा डोंट वरी विदाउट बुक आप नहीं पढ़ेंगे मेरे तरफ से यस yes? तो आपकी बुक जब तक के आ रही है तब तक के आपको पीडीएफ मिलता रहेगा दूसरी बात सीरियल की जो है ये परसों तक के जितने ऑर्डर थे सबको सीरियल की जा चुकी है हो सकता है अगर आपने कल ऑर्डर किया होगा दैट इज़ सैटरडे या संडे के दिन राइट right? तो कल लाइट नहीं थी पूरे पुणे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण यहाँ पे आ, लाइट ऑफ एंड पावर हाउस बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं कैसे नो तो इसकी वजह से कल नहीं थी अदरवाइज टीम आपको भेज देती डोंट वरी आज आपको आ जाएगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यस yes, या तो फिर जो मैंने आपको टेक्निकल नंबर दिया था उनको कॉल कर दीजिए वो जरूर आपको दे देंगे फर्दर अगर आप बाद में गूगल ड्राइव या ड्राइव भी ले रहे हैं डोंट वरी प्लीज़ आज जो टेक्निकल टीम आपको असाइन की है मेल पे इसका नंबर है जैसी आप कोई ऑर्डर करते हैं एकत्वम पे आपको एक सेपरेट टेक्निकल पर्सन स्पेशली असाइन किया जाता है और वो टेक्निकल पर्सन जो है ये आपको हेल्प करता है एंड तक के जब तक कि आपके लेक्चर खत्म नहीं हो जाते आप कृपया इसे कॉल कीजिए और बोलिए मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर करवा दीजिए तो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप एंटर रहेंगे जो लोग जीडीपीडी भी ले रहे हैं उनको लाइव स्ट्रीम का बैकअप मिल रहा है लाइव स्ट्रीम देखने का ऑप्शन मिल रहा है तो ये बिल्कुल मत छोड़िएगा मतलब आपको एक तो लाइव स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा और

चार क्वेश्चन होमवर्क थे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू जो हमने डे वन पे दिया था अच्छा एक और चीज से मैं आपको बता दू देखिए कंटेंट के साथ साथ कई बार ऐसा होता है तो होमवर्क मैं आपको एक दिन दूंगा तो जरूरी नहीं मैं वो अगले दिन ही चेक करा दू हो सकता है चैप्टर का एंड जब वो मैं एक साथ होमवर्क तब भी चेक कराऊँ ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको होमवर्क आज दिया ये मेरे गुड सेंस पर डिपेंड करता है अगर मुझे ऐसा लगता है कि कल का कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम कंटेंट कवर कर लेंगे पर जब तक चैप्टर एंड होगा तब तक आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा राइट तो ये आपके क्वेश्चन नंबर वन एंड टू अवर्स होमवर्क एंड फाइव एंड सिक्स अवर्स होमवर्क राइट ऐसे दो क्वेश्चन होमवर्क है आपको और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है ये क्वेश्चन बैंक आएगा क्वेश्चन बैंक के अंदर से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा यस बट क्लास को हमें यू नो टाइम अलोकेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा है इसलिए इसके लिए चलो कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राणा एज फोर्टी ईयर्स हैविंग फॉलोइंग इनकम चेक करिएगा अगर आपने होमवर्क किया है तो और नहीं किया होगा तो मेरे साथ छाप लेना फटाफट ज्यूमिंग ट्रांसफर कब हुआ है बिफोर ट्वेंटी थर्ड जुलाई हुआ है चलिए बिजनेस इनकम सिक्स लाख अदर सोर्सेज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड स्पेशनकम भी दी है पर आप तो जानते हैं पहले स्पेशल इनकम को स्पेशल कैटेगरी में डालना पड़ेगा सी एस तो क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर क्या है ए टिकुलर रुपीज स्पेशल इनकम जल्दी से बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व कितना था इज इट फोर्टी थाउजेंड इन टू ट्वेंटी परसेंट दैट एट थाउजेंड ठीक है फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए है नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वेरी गुड तो ये स्पेशल नहीं है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल स्पेशल इनकम में नहीं आता किसके अंदर में आता है सर नॉर्मल इनकम के अंदर में आता है नॉर्मल इनकम के अंदर में आपकी टोटल इनकम कितनी पकड़ी जाएगी चेक करिए ये आ रहा है आपका सिक्स लाख सिक्स लाख प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लाख एटी थाउजेंड इन टोटल और नो यस सेवन लाख एट्टी थाउजेंड बराबर अब बताइए इसे ओल्ड स्कीम के हिसाब से करना है या न्यू स्कीम के हिसाब से हम पूरा टैक्स कौन से हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ओल्ड स्कीम के हिसाब से ये सो नो हम चाहे तो इसे न्यू स्कीम के हिसाब से भी अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ स्लैब बदलेगा और कुछ नहीं बदलने वाला राइट right? तो अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्या पकड़ा जा रहा है सर नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे कितना परसेंट होगा सर फाइव परसेंट दैट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट टू लैख एट्टी थाउजेंड पे कितना परसेंट होगा सर ट्वेंटी परसेंट कितना आ रहा है ये चेक करो इज इट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो ये आ रहा है सर सिक्सटी एट फाइव हंड्रेड ये आ गया आपका टोटल 26,500 सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब मुझे बताइए कोई आ, रिबेट मिलेगा नहीं पर सीधा एच ई सी एड हो जाएगा एट द रेट ऑफ फोर परसेंट इज इट थर्टी सिक्सटी तो आपका टोटल टैक्स आ जाएगा सेवेंटी एवरीवन, राइट यहां पे हमने नोट डालनी चाहिए एस टी सी जी इफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन हंड्रेड ए इज टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड इलेवन ए में नहीं है ना बेटा यही तो नोट लिखा हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड इलेवन में ए में होता तो फिफ्टीन परसेंट पे टैक्स होता है इफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज नॉट कवर्ड अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए इट इज ऑलवेज टैक्स एट नॉर्मल रेट और इसीलिए ये देखो ये नीचे नोट लिखा अभी है ना? चलो क्वेश्चन नंबर टू वन पॉइंट वन एट बोलो जी क्या है प्रॉब्लम के अंदर में देखो जरा कालिया 52 टू ईयर स्पेशल इनकम दी है ट्रांसफर बिफोर 237 थ्री सेवन टू दिया है अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड इलेवन ही दिया है प्रॉपर है ना चलो हेल्प करो मेरी सबसे पहले स्पेशल इनकम आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट ये आया एट थाउजेंड से यस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए थर्टी थाउजेंड इन टू फिफ्टीन परसेंट दम्स टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल से यस B जो भी बचा ये सब के सब क्या आएगा आपका नॉर्मल इनकम क्या आएगा आपका नॉर्मल इनकम नॉर्मल इनकम कितना होगा एट लैख फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल इनकम कम्स टू एट फिफ्टी थाउजेंड इसमें से अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड को नील पकड़ेंगे नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट दैट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड पे ट्वेंटी परसेंट टोटल आया एटी टू फाइव हंड्रेड बराबर है ना इसको हम कहेंगे बी देर फॉर आपका टोटल टैक्स विच इज इज ए प्लस बी आता है इंटी फाइव थाउजेंड इसमें आएगा एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट कितना रहा है वो फाइनली आपका टोटल टैक्स आ रहा है नाइन्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड नो नीड टू राइंड ऑफ धने जी है ना आज आपको मस्त एक और होमवर्क मिलने वाला है एनी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है वो बस जितने प्रॉब्लम यहाँ पे दिए न्यू रिज्यूम से पूरे वापस सॉल्व करना है समझ में आया क्या क्या होगा इससे फायदा एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट कैटेगरी क्योंकि अगर आप देखोगे इस दस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट कवर्ड है ठीक है इसी को सिर्फ न्यू स्लैबरेट से क्या चेंज होने वाला है सिर्फ स्लैबरेट चेंज होने वाला है बराबर है ना तो सिर्फ न्यू स्लैबरेट से आप पक्के में ईमानदारी से सॉल्व करके आना कल मैं आपको सीधे इसके आंसर दे दूंगा कि न्यूज लाइब्रेड से आंसर क्या आएंगे आप करके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए मैं सीधे आंसर दूंगा से इसका क्या आने वाला है क्लियर है हार्डली दस से पंद्रह मिनट लगेंगे छोटा सा होमवर्क है कर लेना काम कदम हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आई गेस क्वेश्चन नंबर फाइव कैलकुलेट द टैक्स लाइब्रिटी ऑफ मिस्टर रॉकेट फोर्टी वन ईयर ओल्ड से ही निकालेंगे हम पहले सब कुछ ट्रांसफर जो हुआ है ट्वेंटी थ्री सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हुआ है ठीक है सर कोई बात नहीं आप ध्यान से देखिएगा मेरी अदर इनकम दो करोड़ के ऊपर है ऐसा yes नो no? मेरी अदर इनकम किससे ऊपर है टू करोड़ से ऊपर है थोड़ा सा हेल्प करना क्वेश्चन नंबर फोर आई गैस राइट फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव वन पॉइंट वन एट वहां पर जाके आप रजिस्टर का पेज नंबर जरूर डालिएगा केस में भी सबसे पहले आता है आपका स्पेशल इनकम प्लीज टेल मी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व कितना था फिफ्टी वन फिफ्टी वन लैक्स इन टू ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी परसेंट एवरी वन

इस टोटल को हम ए नाम दे देते हैं फिफ्टीन नाइन्टी सेवन फाइव हंड्रेड बराबर है ना ये आया आपका नॉर्मल इनकम नॉर्मल इनकम आता है आपका टू करोड़ सेवेंटी लाख। अप टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड हम पकड़ते हैं नील नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे फाइव परसेंट आता है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट फाइव लैख पे आता है ट्वेंटी परसेंट दैट्स वन लैख आपका बैलेंस इनकम टू करोड़ सिक्सटी लैख ,00 पे थर्टी परसेंट

फाइव लैक टेन थाउजेंड इसमें ऐड किया जाएगा क्या बेटा सरचार्ज अब बताइए कुछ बदलेगा बिल्कुल सही तो आपका सरचार्ज ऑन ए विल बी एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट तो क्या ये फिफ्टीन नाइनटी सेवन फाइव हंड्रेड इंटू फिफ्टीन परसेंट करने लायक चीज़ है एंड योर चार्ज ऑन बी विल बी एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज सेवेंटी ट्वेल्व फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट करने वाली चीज है That comes to two three nine six two five. Everyone or seventy nine twelve five hundred into twenty five percent. That's come to one nine वन नाइन सेवन एट वन टू फाइव बराबर है ना प्लस टू थ्री नाइन सिक्स टू फाइव आपका टोटल सरचार्ज बन रहा है ट्वेंटी टू लैख सेवेंटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज फिर कितना बनेगा बताओ वन करोड़ 17 लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन फिफ्टी इट इसमें सीधा सीधा एच जोड़ेंगे एट द रेट ऑफ फोर परसेंट डबल वन जीरो ट्वेंटी वन लैख नाइंटी सिक्स थाउजेंड एट सिक्सटी एवरी वन यू गॉट दिस आंसर बड्डी लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा ग्रुप फोर्टी एट ट्रांसफर आफ्टर ट्वेंटी थ्री सेवन हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारी अदर इनकम पांच करोड़ के ऊपर है ये yes सुनो no? हमारी अदर इनकम पांच करोड़ के ऊपर है देखो एक और फॉर्मेट बताऊं सॉल्व करने का प्रॉब्लम नंबर सिक्स वन पॉइंट वन एट बराबर है अब देखो एक और प्रॉब्लम बता एक और तरीका बताता तो हूँ इसी को सॉल्व करने का सबसे पहले ले लो आप नॉर्मल इनकम एक और फॉर्मेट है आंसर आपका सेम ही आएगा जरा समझना नॉर्मल इनकम फिर एक लाइन छोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है ना और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे सीधा सीधा आप टैक्स लिखो यहाँ पे लिखो सरचार्ज यहाँ पे लिखो टोटल यहाँ पे लिखो एच और उसके बाद में लिखो फाइनल टोटल थोड़ा सा ये सबसे पहले आता है टैक्स बराबर अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फोर्टी वन लैख पे कितना है बेटा ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी परसेंट इज इट कमिंग टू फाइव ट्वेल्व फाइव हंड्रेड बराबर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है इज इट कमिंग्स टू टू लैख बचावा सिक्स लाख कितना है सिक्स करोड़ थर्टी लाख में से टेन लाख बाजू कर दो बैलेंस पे थर्टी परसेंट एड एक लाख बारह हज़ार पांच सौ इज इट कमिंग टू वन करोड़ एट्टी सेवन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बराबर ये हो गया आपका टैक्स फिर आ गया सर इधर आएगा थर्टी सेवन परसेंट इधर आएगा फिफ्टीन परसेंट इधर भी आएगा फिफ्टीन परसेंट एवरी वन बराबर ना ये आ रहा है सिक्स नाइन टू थ्री सिक्स टू फाइव चेक करो तो आपका सम टोटल बना टू फाइव सिक्स थ्री सिक्स वन टू फाइव ये आ रहा है सेवन सिक्स एट सेवन फाइव फाइव एट नाइन थ्री सेवन फाइव चेक करते जाना सर ये आया थर्टी थाउजेंड या आया टू लैख थर्टी थाउजेंड बराबर है ना हम इन तीनों को हम क्या कर देंगे सर टोटल कर देंगे कमिंग टू टू करोड़ सिक्सटी फोर लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवरी वन आ रहा है क्या चेक कर लो और यहाँ पे एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट योर टोटल टैक्स मस्ट कम टू टू करोड़ सेवेंटी फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड सेवन ट्वेंटी ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन करने का आंसर तो आप ऐसे निकाल रहे हो पर ये एक तरीका है प्रेजेंटेशन करने का इससे क्या होता है सप्लीमेंट कम यूज होती है पेपर बहुत बड़ा नहीं दिखता थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में दिखता है ये yes सोनो थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में दिखता है इज अ डन लो जी तो यहाँ क्या खत्म हो गया हमारा यहाँ हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर वन आ कैसा लग रहा है सर मजा आया नहीं आया ये बताओ मजा आ गया बहुत बढ़िया तो ये आपका पूरा का पूरा आपका होमवर्क खत्म हो गया एक होमवर्क मैं आज आपको दे रहा हूँ जो डेली बेसिस पे देता हूँ पूरे के पूरे सात क्वेश्चन न्यू स्लैब के हिसाब से भी आपको सॉल्व करके लेके आने हैं गेटिंग द पॉइंट यही आपका होमवर्क है मैं कल सीधे आपको आंसर दे दूंगा कि ये इसका आंसर है ठीक है चलो जी अब आप क्या करेंगे जितने भी बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं जो फेस टू फेस में बैठे हैं या ऑनलाइन बैठे हैं अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑडियो रिविज़न पूरे चैप्टर का अगर आप मेरे साथ इंटर में पढ़ चुके हैं तो आपको पता है ऑडियो रिविजन के टाइम पे हमें क्या करना होता है नहीं है तो एक और बार फिर से बता देता हूँ याद नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले मोबाइल ओपन कीजिए मोबाइल में आपका ऑडियो रिविजन ओपन कीजिए जहाँ पे आपके ऑडियो रिविजन जहाँ पे आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस मेमोज रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है कैन डेफिनेटली राइट अब जब आप वॉइस मेमो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेक श्योर sure कर लीजिए आपका जो फोन हो वो यू uh, नो you know, किसके ऊपर हो थोड़ा सा एरोप्लेन मोड के ऊपर हो फोन रख दीजिएगा अपनी आंखें बंद कर दीजिएगा जैसे वन टू थ्री बोलूंगा आप स्टार्ट करके बिल्कुल आंखें बंद करके मेडिटेशन डीप स्लीप मोड पर चले जाओ ताकि क्या हो मैं आपको पूरा रिवाइज कर सकू और आपकी बुक आपके सामने पूरी घूम सके दस मिनट शांति से मेडिटेशन करके बैठिए मैं जब बोलूंगा आंखें ओपन कर लेना स्टॉप कर लेना और इस चीज को नाम दे देना बेसिक्स तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं प्लीज इसे भी रिकॉर्ड कर ले यस और नो थ्री टू वन गो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग दिस इज विजय सारडा फ्रॉम एकतम एकेडमी पुणे ये है डायरेक्ट टैक्स का बेसिक टैक्स कैलकुलेशन का रिवीजन सेशन बड़े ध्यान से सुनिएगा फॉर द पर्पस ऑफ मे 25 नवंबर 25 ट्वेंटी डिसंबर दिसंबर 25 राइट सबसे पहले इनकम टैक्स जो है इसके फादर माने जाते हैं जेम्स विलसन राइट इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 में रूल्स आए थे 1962 के अंदर में देयर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया यस देन हम लोगों ने बात करी थी इनकम टैक्सेस पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब बाई एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर सबसे पहले पर्सन का डेफिनेशन आता है सेक्शन टू सबसे थर्टी वन के अंदर में विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी एओपी बी ओ आई लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी इसके बाद एस एससी का डेफिनेशन रिलेवेंट होता है जो सेक्शन टू सेवन के अंदर में लिखा है असएसी मीन्स एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे tax or any other sum under the Act and in respect of other person if he is liable for his income or loss includes deemed assessee and assessee in default. here <laughs> we previous year and assessment year. Previous year is defined under section 3 and assessment year is defined under section two nine. Previous year is the year preceding the assessment year. Assessment is a year starting from 1st April every year. जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इसके पांच एक्सेप्शन है पहला नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस दूसरा एओपीबीओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन तीसरा नॉन तीसरा क्लोजर ऑफ बिजनेस चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू वाई टैक्स एंड पांचवा पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली फिर हम लोगों ने बात करी थी टोटल इनकम टोटल इनकम मीनस इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड आफ्टर क्लबिंग सेट ऑफ एंड डिडक्शन वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम टोटल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम फिर हमने बात करी थी कि सर टैक्स रेट क्या होंगे टैक्स रेट जो है ये दो थे एक था ओल्ड स्कीम एक था न्यू स्कीम सबसे पहले चलते हैं ओल्ड स्कीम के अंदर में ओल्ड स्कीम का टैक्स सिस्टम ये रहा इंडिविजुअल एच यू एफ ए पी बी वाई ए जे पी के लिए एप्लीकेबल है सबसे पहले इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी नॉन रेसिडेंट रिस्पेक्ट ऑफ एज एच यू एफ ए पी बी वाई ए जे पी अपू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड निल टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लाख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउट टेन लाख थर्टी परसेंट For individual resident senior citizen, up to 3 lakh nil, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and about 10 lakh 30%. For super senior citizen, that is 80 or above, up to 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh 20%, and about 10 lakh 30%. Income and tax must be rounded off in multiple of rupees 10 as per section 288a, 288b. HEC will be at the rate of 4%. Then, third point, there will be rebate.

ऑनलाइन विनिंग कैजुअल विनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स थर्टी परसेंट अनएक्सप्ले कैश क्रेडिट एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर सेक्शन सिक्सटी नाइन सेवेंटी एट परसेंट फिर हमने बात करी थी स्पेशल एडजस्टमेंट्स की इफ द असेसी इज इन रेसिडेंट एंड हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज इनकम बट ही कैनॉट एब्सॉर्ब बेसिक एक्सम्शन लिमिट

डोमेस्टिक कंपनी अगर टर्न ओवर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में फोर हंड्रेड करोड़ से नीचे है ट्वेंटी फाइव परसेंट इफ इनकम एक्सीड वन करोड़ स चार्ज इज सेवन परसेंट इफ इनकम एक्सीड टेन करोड़ स चार्ज इज ट्वेल्ल परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फो परसेंट अदर कंपनीज के लिए टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट स चार्ज सेवन और ट्वेल्व परसेंट एच ई सी फोर परसेंट फॉरन कंपनीज के लिए टैक्स you know, रेट इज फोर्टी परसेंट इफ द इनकम एक्सीड यू नो वन करोड़ स चार्ज इज टू परसेंट इफ इनकम एक्सीड टेन करोड़ स चार्ज इज फाइव परसेंट एच ईसी विल बी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ओल्ड स्कीम में टैक्सेशन पहले टेन थाउजेंड पे टेन परसेंट नेक्स्ट टेन थाउजेंड पे ट्वेंटी परसेंट एंड अब ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी परसेंट आपका टैक्स रेट होगा स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट एन एच एट द रेट ऑफ फोरसेंट इज द डन अगर कोई एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनीज है राइट फिफ्टी लैख टू वन करोड़ पे सरचार्ज है आपका टेन परसेंट एंड अब वन करोड़ आपका सरचार्ज है फिफ्टीन परसेंट इज दैट डन ये सोनो

10 lakh to 12 lakh, 10 lakh to 12 lakh, it will be 15%, 12 lakh to 15 lakh, it will be 20%, and above 15 lakh, it will be 30%. Special income at special rate, HEC at the rate of 4%, will be applicable. हाँ जी आवाज़ वापस आ गई रिज्यूम कर सकते हैं वापस से सॉरी हाँ जी सो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो कुछ डिडक्शंस एंड एग्जाम्शंस अलाउड नहीं है सैलरी के अंदर में आपको लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं लेना है टेन फोर्टीन के चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस नहीं लेना है एच आर ए नहीं लेना है फ्री फूड फैसिलिटी नहीं लेना है एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेना है एच पी के अंदर में आई ओ बी सी केस में एस ओ पी एस ओ के केस में आई का बेनिफिट नहीं लेना है पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे थर्टी थ्री ए ब थर्टी थ्री ए बी ए का बेनिफिट नहीं लेंगे डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू अदर्स का डिडक्शन नहीं लेंगे थर्टी फाइव ए डी एंड थर्टी फाइव सी 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 का डिडक्शन नहीं क्लेम करेंगे राइट इसके बाद में चैप्टर सिक्स ए के कोई डिडक्शन नहीं लेंगे एक्सेप्ट एट्टी सी सी डी सी सी एच एट्टी जे जे ए इसके बाद में टेन डबल का बेनिफिट नहीं लेंगे टेन थर्टी टू का बेनिफिट नहीं लेंगे एंड एम पी एम एल ए का जो डेली अलाउंस है इसका बेनिफिट नहीं लेंगे फर्दर इन डिडक्शन से आने वाला कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो भी आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे यस और नो तो आप हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी के लोअर स्लैब रेट वाली लिमिट को ले सकते हैं नेक्स्ट आता है कंपनीज कंपनीज के लिए दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 115 एंड नॉर्मल डोमेस्टिक्स कंपनीज के लिए और 115 एंड डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अगर 115 BAA देखा जाए वहां पे है स्पेशल इनकम स्पेशल प्लस 10% हंड्रेड एंड 4% बी ए देखा जाए प्रोविजन एप्लीकेबल कर देता है तो इफेक्टिव टैक्स रेट उन इनकम पे 34.32% होगा यस अब आते हैं हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी के ऊपर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट पर टैक्स होगा अदर इनकम ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट पे टैक्सेबल होगा ए अगर टीपी प्रोविजन लगा देता है तो उस पर्टिकुलर इनकम पे थर्टी फोर पॉइंट थर्ट टू परसेंट होगा कुछ डिडक्शन एंड एक्जशन हमें क्लेम नहीं करने हैं जो उस लिस्ट के अंदर में लिखे हैं सैलरी और एचपी को हटा दो बाकी सारी लिस्ट आपकी एज इट इज मिल जाती है ये सुनो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें नहीं आएंगी पहला अगर आप माइनिंग करते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तीसरा मालब्रड ब्लॉक्स चौथा गैस इनटू सिलेंडर पांचवा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स एंड छठवा एनी अदर थिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब कंपनी जो है ये 2019 के बाद सेटअप होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग टू से पहले होना चाहिए नेक्स्ट uh, जो कंपनी है ये उस बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए जो होटल या कन्वेंशन सेंटर बोल के ऑपरेट किया गया हो इसमें जो लगने वाली प्लांट एंड मशीनरी है ये न्यू होनी चाहिए हालांकि दो प्लांट एंड मशीनरी को न्यू माना जाएगा पहला इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू ट्वेंटी से ज्यादा नहीं है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये जो बिजनेस है ये स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन से नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ थर्टी बी एंड लास्ट जो है कि सर आपका ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में होना चाहिए अदर बिजनेस में नहीं होना चाहिए यस और नो राइट right? इसके बाद हम आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट पे नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 बी ए डी के अंदर में कवर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो 115 बी ए ई में कवर होता है राइट right? नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए टैक्स रेट है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट और ए अगर टी पी प्रोविजन लगा देता है तो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट सेम एज बी ए ए और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में है तो एवरीथिंग सेम एज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बस yes no. एक बात याद रखनी है cooperative society जो manufacturing में है जो में उसका 2023 बाद होना चाहिए चाहिए और और 2024 से पहले हो जानी चाहिए. Rest everything same 115 और यहां पे आकर के हमने हमारा चैप्टर नंबर वन बेसिक टैक्स कैलकुलेशन खत्म किया ऑल द साहब लो जी पूरा का पूरा चैप्टर नंबर वन ऑडियो रिविजन के साथ हमने खत्म किया जैसे कि मैंने वादा किया था हर चैप्टर खत्म होते ही तुरंत ऑडियो रिविजन करेंगे ताकि सब एक साथ पूरा याद आ जाए अगर आप देखेंगे 11 मिनट के अंदर में आपके पूरे पांच दिन का सार चार दिन का सार हम लोगों ने कवर कर दिया ये सो नो राइट कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नोट्स मैं आज आपको सेंड कर दूंगा आप होमवर्क करके आइएगा एंड मेक श्योर sure करिए कि इस चैप्टर वन को आप अभी के अभी पूरा का पूरा खत्म कर दें ये ऑन नो राइट तो एक बार अभी ही पढ़ के ऑफिस में जब भी टाइम मिले लंच ब्रेक के साथ ही क्यों ना सही सिर्फ जो लिखा हुआ रजिस्टर है उसको भी पलटा दोगे तो इंपॉर्टेंट सब कवर हो जाएगा येस नो यस दैट्स इट थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर यस ऑनलाइन किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नहीं तो मिलते हैं कल भाइयों प्लीज थोड़ा सा बात कम किया करो ना बहुत डिस्टर्ब होता है आओ बढ़िया Good morning